हेलो एवरीवन, मैं सुप्रिया आप सभी को सुप्रिया एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को क्या बताने वाली हूँ, आज की वीडियो में हम लोग मैथ ऑनर्स पार्ट 3 का पेपर 8 का कंप्लीट रिवीजन देखने वाले हैं। ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों को और कोई भी दूसरा वीडियो नहीं देखना है। जो भी स्टूडेंट का जैसे कल ही मान लीजिए एग्जामिनेशन है, तो उन लोगों को एक बार ये वीडियो को ज़रूर देखना चाहिए, अगर आप लोग कोई भी यूनिवर्सिटी हो, ठीक है। और मैथ ऑनर्स पार्ट 3 में पेपर 8 जो होता है वो ऑप्शनल पेपर होता है, ठीक है। स्फेरिकल एस्ट्रोनॉमी होता है और न्यूमेरिकल एनालिसिस होता है। ज़्यादातर बिहार यूनिवर्सिटी जो है ना, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी में मैक्सिमम स्टूडेंट स्फेरिकल एस्ट्रोनॉमी है तो न्यूमेरिकल एनालिसिस ही लेते हैं, ठीक है। और आप लोग को डिसाइड कब करना होता है कि पेपर 8 में क्या लेंगे, तो वो आप लोग को एग्जामिनेशन के दिन ही डिसाइड होता है। जब एग्जामिनेशन देने जाइएगा ना, उसी दिन पूछा जाएगा कि आप लोगों को कौन सा पेपर चाहिए, न्यूमेरिकल एनालिसिस या स्फेरिकल एस्ट्रोनॉमी। तो आप लोग जो भी पढ़े हुए वो बोलिएगा, आप लोग को मिल जाएगा। देखिए, स्फेरिकल एस्ट्रोनॉमी न्यूमेरिकल एनालिसिस जो है ना, वो बहुत ही ईजी है, ठीक है। ईजी इसलिए क्योंकि अगर आप लोग एक बार समझ जाते हैं कि इसमें करना क्या है, तो आप लोग का आराम से हो जाएगा और आप लोग को यहाँ तक कैलकुलेटर ले जाने की भी अनुमति दी जाती है। तो न्यूमेरिकल एनालिसिस आप लोग ले लीजिएगा तो सही रहेगा। ऐसे तो मैं आप लोगों को न्यूमेरिकल एनालिसिस पूरा कंप्लीट पढ़ाने वाली हूँ, आज के वीडियो में पूरा वन शॉट होने वाला है। और आप सभी को पता होगा कि आप लोगों को इस चैनल पे पेड बैच भी चलते हैं मैथ ऑनर्स का, तो मैथ ऑनर्स पार्ट 3 का पेड बैच में मैं आप लोगों को क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन का पेड बैच लाई थी, जिसका कोर्स भी सिर्फ 300 रुपया था और उसमें पूरे 5 साल का क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन करवाई और उसके साथ साथ मैं पूरे 5 साल का क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन का PDF बना के भी आप लोगों को प्रोवाइड करवाई हो। जो भी स्टूडेंट पेड बैच में एडमिशन लिए होंगे उन लोगों को पता ही होगा। तो ये वीडियो जो है, ये वन शॉट वीडियो ये यूट्यूब पे आएगा ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट इस वीडियो का फ़ायदा उठा सके। और ये वीडियो पूरा वन शॉट देखने के बाद अगर उनको लगेगा कि अब तो पूरा पढ़ चुके हैं, अब मुझे क्वेश्चन बैंक बना लेना चाहिए, तो आप लोग जो है वो पेड कोर्स में जरूर एडमिशन ले लीजिएगा, जिसका कोर्स फीस सिर्फ 300 है और इसमें आप लोग को पूरा वीडियो सोल्यूशन विथ PDF नोट्स भी मिल जाएंगे, ठीक है। और आप लोग एडमिशन कैसे लीजिएगा, तो आप लोग को एडमिशन लेना बहुत ही आसान है। आप लोग जो है वो टेलीग्राम पहले ओपन कीजिएगा और टेलीग्राम में लिखिएगा @SupriyaEducationHub01। क्या लिखिएगा? @SupriyaEducationHub01। वहाँ पे मेरा ID खुल के आ जाएगा, फिर वहाँ पे आप लोग मैसेज करके बात कर सकते हैं और कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग वन शॉट वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम लोग लगभग 2 मिनट का टाइम वेस्ट कर चुके हैं। सबसे पहला हम लोग का जो है सॉल्यूशन ऑफ लीनियर साइमल्टेनियसली अल्जेब्रिक इक्वेशन बाय गॉस एलिमिनेशन मेथड। सबसे पहला जो क्वेश्चन हम लोग पढ़ने वाले हैं वो गॉस एलिमिनेशन मेथड पढ़ने वाले हैं, और मैं आप लोगों को ये 100% बोल सकती हूँ कि ये क्वेश्चन परीक्षा में जरूर आएगा। आप लोगों को बस न्यूमेरिकल डिजिट बदलेगा और क्वेश्चन जो है वो गॉस एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए आएगा, मतलब आएगा, लिख के ले लीजिए, ठीक है। चलिए, क्या है आप लोगों का, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस। तो आप लोगों को क्या करना होता है, देखिए आप लोगों को इस तरीके से अल्जेब्रिक इक्वेशन दिया रहता है और इसको गॉस एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना होता है। तो सबसे पहले हम लोग इसको लिखते हैं इस तरीके से, AX = B मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं इसको। कैसे लिखते हैं? AX = B। तो ए के जगह पे आप लोग क्या लिखिएगा, ए के जगह पे सबका कोफिशियंट लिखिएगा, तो 3 1 -1 2 -3 1 और नीचे क्या है 1 -2 9। क्या किए हम लोग, सबसे पहले हम लोग जो यहाँ पे ए लिखे है, क्या लिखे है, ए में जो ए का मैट्रिक्स हम लोग तैयार करेंगे वो कहाँ से तैयार करेंगे, तो XYZ, इसमें कोफिशियंट क्या है 3 1 -1, तो 3 1 -1। इसमें कोफिशियंट क्या है 2 -8 1 2 -8 1। यहाँ क्या है 1 -2 9, तो 1 -2 9। तो ये आप लोग का ए निकाल ली। और X में क्या लिखिएगा, X में लिखिएगा XYZ। और B में क्या लिखिएगा, B में आप लोग को जो राइट साइड में लिखा हुआ रहता है ना 3 -5 8। सबसे पहला क्या काम करना है, आप लोगों को समझ में आया, आप लोगों को समझ में आया कि हाँ गॉस एलिमिनेशन मेथड सबसे पहला हम लोग पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना होगा, जो भी सिस्टम जो भी इक्वेशन दिया रहेगा उसको हम लोग मैट्रिक्स इक्वेशन में लिखेंगे। AX = B, जहाँ पर ए का वैल्यू हम लोग लिखेंगे, जो कोफिशियंट है सबका वो लिखेंगे, एक्स में लिखेंगे XYZ और बी में हम लोग इधर राइट साइड में जो एलिमेंट है उसको लिखेंगे। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स बनाएंगे। क्या करेंगे हम लोग, इसके बाद हम लोग ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स बनाएंगे। तो ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स कैसे बनाएंगे, A:2, क्या लिखेंगे हम लोग A:2, और ए हम लोग A:B, क्या लिखेंगे A:B। तो फिर ए का मैट्रिक्स लिख देंगे, फिर यहाँ पे A:2 का जो चिन्ह रेशियो होता है, अनुपात होता है, उसका हम लोग देंगे और फिर हम लोग बी का जगह पर ये लिख देंगे, ठीक है। अब क्या करना है, अब ध्यान से देखिए, इसमें जो लिखा हुआ है ना, इससे ज़्यादा ज़रूरी है कि मैं आप लोग को जो समझाऊँ वो करना है। देखिए आप लोग को इसको और इसको 0 बनाना है। क्या करना है,
आप लोगों का जो यहाँ पे सेकेंड और थर्ड का एलिमेंट है ना, इसको जीरो बनाना है। किसको? इसको और इसको जीरो बनाना है, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, जब ये दोनों जीरो बना लीजिएगा तो उसके बाद इसको जीरो बनाइएगा। बस आप लोगों का दो ही टारगेट है, इस दोनों को जीरो बनाना है और इसको जीरो बनाना है, ठीक है। गॉस एलिमिनेशन मेथड में क्या करना होता है, गॉस एलिमिनेशन मेथड में हम लोगों को ये जो डायगोनल मैट्रिक्स है ना, प्रिंसिपल डायगोनल मैट्रिक्स, तो प्रिंसिपल डायगोनल मैट्रिक्स के सॉरी प्रिंसिपल डायगोनल जो है ना ये, इसके नीचे के जो एलिमेंट है ना तीनों, इस तीनों को हम लोगों का जीरो बनाना होता है, याद रहेगा आप लोगों को। तो अब हम लोग जीरो कैसे बनाएंगे, बहुत सारे स्टूडेंट को जीरो बनाने में दिक्कत होती है, लेकिन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। मैं आप लोगों को समझाती हूँ कैसे करना है। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे इसको जीरो बनाना है, तो ये रो टू का है तो रो टू लिख लेंगे, लिख लिए रो टू। अब फिर हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे, आर टू, फिर लिखेंगे माइनस। अब हम लोग क्या करेंगे पता है आप लोग को, यहाँ पे आर टू में कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे जो भी लिखा रहेगा ना वहाँ लिख दीजिएगा, तो यहाँ दो है तो दो लिख दीजिएगा। फिर डिवाइड लिखिएगा, क्या लिखिएगा, डिवाइड। अब हम लोग किसकी मदद से बनाएंगे इसको जीरो, वन की मदद से, तो वन का इसमें क्या दिया हुआ है यहाँ पे, थ्री, तो यहाँ लिख देंगे थ्री। और किसकी मदद से बना रहे, रो वन की मदद से, तो बस ये ऑपरेशन आर टू में लगा दीजिएगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या कीजिएगा, अब आप लोग रो थ्री में जीरो बनाना है तो रो थ्री लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, आर थ्री, फिर माइनस यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वन, डिवाइड बाई यहाँ पे क्या है, आर वन की मदद से बना रहे हैं ना, तो डिवाइड बाई हम लोग इसके कोफिशिएंट लिखेंगे थ्री, तो वन बाई थ्री आर वन की मदद से बना रहे हैं। तो हम लोग ये हम लोग किस में, आर थ्री में ऑपरेशन लगाए, ठीक है। तो आर टू में ऑपरेशन लगाए, आर थ्री में ऑपरेशन लगाए, तो जब आर टू में ऑपरेशन और आर थ्री में ऑपरेशन लगाएंगे तो इसके बाद जो हम लोग को बन के आ जाएगा वो क्या बन के आ जाएगा, ये बन के आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है, हम लोग को इसको जीरो बनाना है, तो इसको जीरो बनाएंगे किसकी मदद से, सेकेंड वाले की मदद से, ठीक है। तो हम लोग पहले लिखेंगे आर थ्री, फिर क्या लिखेंगे हम लोग, आर थ्री, इसके बाद क्या लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ पे जो भी टर्म है क्या टर्म है, माइनस सेवन बाई थ्री डिवाइडेड बाई यहाँ पे रो टू की मदद से बना रहे हैं ना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस सिक्सटीन बाई थ्री, और यहाँ लिखेंगे आर टू, ठीक है। तो ये थ्री से थ्री कट जाएगा और माइनस से माइनस कट जाएगा, तो और यहाँ वाला माइनस तो बचा ही रहेगा, तो आर थ्री माइनस सेवन बाई ट्वेंटी सिक्स आर टू लिख देंगे, ठीक है। तो हम लोग रो थ्री में ये ऑपरेशन लगा लेंगे, तो रो थ्री में ऑपरेशन लगाने के बाद हम लोग का क्या बन जाएगा, ये इक्वेशन बन के आ जाएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए, अब हम लोग है ना इसको चेंज इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे थ्री एक्स प्लस वन वाई माइनस वन जेड इक्वल टू थ्री, फिर इसमें क्या लिखेंगे, जीरो एक्स प्लस माइनस ट्वेंटी सिक्स बाई थ्री वाई प्लस फाइव बाई थ्री जेड इक्वल टू माइनस सेवन, इसमें क्या लिखेंगे, जीरो एक्स प्लस जीरो वाई टू थर्टी वन बाई ट्वेंटी सिक्स जेड इक्वल टू 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 थर्टी वन बाई ट्वेंटी सिक्स, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, तीनों इक्वेशन बना लिए, ठीक है। यहाँ से हम लोग को तीन इक्वेशन बना लेंगे, फिर हम लोग बैक सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करेंगे। यहाँ से इक्वेशन थ्री से हम लोग का जेड का वैल्यू आ जाएगा, फिर जेड का वैल्यू आ जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, जेड का वैल्यू हम लोग इक्वेशन टू में रखेंगे, क्या करेंगे, जेड का वैल्यू इक्वेशन टू में रखेंगे तो हम लोगों का वाई का वैल्यू निकल के आ जाएगा। और जब वाई का वैल्यू आ जाएगा हम लोग का, वाई और जेड का वैल्यू निकल के आ जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन में रख देंगे, तो हम लोग का वाई और जेड का वैल्यू इक्वेशन में रख दिया तो एक्स का वैल्यू आ गया। तो यहाँ से आप लोगों का x का वैल्यू क्या आ गया, x इक्वल टू वन, y इक्वल टू वन, z इक्वल टू वन। तो ये तो आप लोगों का गॉस एलिमिनेशन मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करना था, मैं पूरा प्रोसेस बता दी। अब आप लोगों को तीन क्वेश्चन दिया जा रहा है, और इस तीन देखिए आप लोग बहुत सारे स्टूडेंट बुक भी खरीदे होंगे, तो मैं बुक खरीदने में आप लोग का पैसा वेस्ट नहीं करवाऊंगी। आप लोग बस इस तीनों का जो तीनों क्वेश्चन दिया हुआ है ना, अब आप लोग को ये खुद से प्रैक्टिस करना है। आप लोगों को पूरा प्रोसेस बता दिया गया है, क्या प्रोसेस बता दिया गया है, कि सबसे पहले इसको हम लोग मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे, दी गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी रिटन एज द मैट्रिक्स फॉर्म दिस, और फिर हम लोग लिख देंगे ए एक्स बराबर बी, और जहाँ पे हम लोग वेयर लिखेंगे ए बराबर लिखेंगे, एक्स बराबर लिखेंगे, बी बराबर लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स। तो ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स हम लोग का क्या आ जाएगा, ए एस टू बी, या फिर यहाँ से हम लोग ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स ले लेंगे। ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स बनाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, जो भी हम लोग का प्रिंसिपल डायगोनल है ना, क्या है प्रिंसिपल डायगोनल, उसके नीचे हम लोग का तीन एलिमेंट है, तीनों एलिमेंट को क्या करेंगे, जीरो बनाएंगे, ठीक है। जीरो कैसे बनता है, तो जीरो बनाते हैं हम लोग, पहले इस दोनों को जीरो बनाते हैं पहले वाले की हेल्प से, फिर इसको जीरो बनाते हैं दूसरे वाले की हेल्प से। और जीरो बनाना मैं आप लोगों को बता दी हुई हूँ। जीरो बनाने के बाद अब आप लोगों का तीन इक्वेशन बन के निकल के आएगा, ठीक है। तो तीन इक्वेशन के बाद हम लोग इक्वेशन थ्री से चालू करेंगे तो जेड का वैल्यू आएगा, इक्वेशन टू में जेड का वैल्यू रख देंगे तो हम लोग का जेड और वाई का वैल्यू आ जाएगा, और जेड और वाई का वैल्यू हम लोग इक्वेशन वन में रख देंगे तो इक्वेशन एक्स का वैल्यू आ जाएगा। तो ये तीनों क्वेश्चन का आप लोग स्क्रीन शॉट ले लीजिए और मुझे बना के बताइएगा कि आप लोगों का कितना कितना आंसर आया, ठीक है। पूरे पांच क्वेश्चन मैं दे रही हूँ, ठीक है। तीन क्वेश्चन ऊपर है और यहाँ पे आप लोग क्या कीजिए, ये पांचों क्वेश्चन का एक साथ स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बैठ के बनाइएगा, ठीक है। प्रैक्टिस कीजिएगा गॉस एलिमिनेशन मेथड का, और फिर आंसर भी मिलाइएगा। देखिएगा गलती है तो फिर से कीजिएगा, बार बार ट्राई कीजिएगा, क्योंकि परीक्षा में तो ये तो 100% कन्फर्म है कि इसे आएगा, तो क्यों ना अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया जाए, ताकि ये क्वेश्चन आए तो वहाँ पर थोड़ा सा रिग्रेट फील ना हो कि जहाँ हमसे तो नहीं बना इस तरीके से, ठीक है।
तो ये अब सारा क्वेश्चन का जो है वो सॉल्यूशन है। अब आप लोग बस आंसर लिख लीजिए, ठीक है। एक का आंसर आएगा x इक्वल टू दो, क्या आएगा पहला नंबर का आंसर आएगा, आंसर लिख लीजिए सिर्फ, बाकी सारा कुछ वही प्रोसेस है। x इक्वल टू दो, y इक्वल टू जीरो, z इक्वल टू माइनस वन बनाने के बाद आंसर मिला लीजिएगा। दूसरा नंबर है तो दूसरा नंबर का आप लोग का आंसर क्या आएगा, दूसरा नंबर का आएगा आप लोग का x इक्वल टू सेवन, y इक्वल टू माइनस नाइन, z इक्वल टू पाँच, ठीक है। फिर तीसरा नंबर है तो तीसरा नंबर का आंसर आप लोगों का क्या आएगा देख लीजिए, एक्स इक्वल टू वन, जेड इक्वल, वाई इक्वल टू वन, जेड इक्वल टू वन। फिर आप लोग का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आप लोग का आंसर क्या आएगा, एक्स इक्वल टू सैंतालीस बटे चौदह और वाई इक्वल टू तेरह बटे सात और जेड इक्वल टू छः बटे सात। फिर आप लोगों का, अब हम लोगों का देखिए उसमें जो था वो तीन इक्वेशन था, ठीक है। अभी तक जो बनाया आप लोग वो तीन इक्वेशन का था, अब चलिए मैं गॉस एलिमिनेशन मेथड ही देखेंगे, लेकिन अब हम लोग चार इक्वेशन का भी देख लेते हैं, क्योंकि अगर परीक्षा में चार इक्वेशन वाला आ जाएगा तो फिर हम लोग क्या करेंगे, ठीक है। तो हम लोगों का यहाँ पे चार इक्वेशन दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो भी सिस्टम इक्वेशन दिया हुआ है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन, उसको हम लोग मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। मैट्रिक्स फॉर्म में हम लोग कैसे लिखते हैं, तो मैट्रिक्स फॉर्म में हम लोग लिखते हैं ए एक्स बराबर बी करके, ठीक है। तो यहाँ से ए हम लोग को पता है, एक्स पता है, बी पता है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आप लोग को थोड़ा सा ब्लर दिख रहा होगा, कोई बात नहीं, आप लोगों को मैं समझा देती हूँ, समझ जाइए। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ए एस टू बी करेंगे, क्या करेंगे हम लोग, ए एस टू बी, ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स लिखेंगे, तो ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स इस तरीके से आएगा। और यहाँ पे प्रिंसिपल डायगोनल हम लोग का क्या है ये, तो हम लोग को इसमें पहला की मदद से ये तीनों को जीरो बनाना होगा, फिर इसमें दूसरा की मदद से ये दोनों को जीरो बनाना होगा, ठीक है। इस तरीके से हम लोग को काम करना होगा। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें आर टू में ऑपरेशन लगाएंगे, क्या करेंगे हम लोग इसमें, देखिए आप लोग को ब्लर दिख रहा है लेकिन मैं बोल रही हूँ ये तो सुन सकते हैं ना, तो आर टू में आप लोग देखिए या फिर देखते हैं नेक्स्ट पेज में फिर से कहीं लिया गया होगा, नहीं ब्लर ही है, ठीक है। कोई बात नहीं, मैनेज इतना कर लीजिए, थोड़ा सा आप लोग को इतना सारा 132 पेज का पीडीएफ बनाया गया है, तो एक दो पेज में तो आप लोगों को दिक्कत हो ही जा सकता है ना। तो ये आर टू है, ये आर थ्री है, ये आर फोर है, ऑपरेशन लगाना मैं सिखा दी हूँ, लगा दीजिएगा, फिर ऑपरेशन लगा दीजिएगा तो ये आ जाएगा। अब क्या कीजिएगा, अब आप लोग देखिए, अब इस दोनों को जीरो बनाना है इसकी हेल्प से, लेकिन यहाँ पे जीरो है, लेकिन ये हम लोग का जीरो नहीं होना चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, रो का इंटरचेंज कर लेंगे, इसको ऊपर दे देंगे, रो टू और रो थ्री को आपस में इंटरचेंज कर लेंगे, तो हम लोगों का यहाँ पे वन बन के आ जाएगा, ठीक है। क्या बन के आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोगों का वन बन के आ जाएगा, फिर हम लोग इसको, ये तो जीरो है ही, इसको जीरो कर लेंगे ऑपरेशन लगा कर, तो फिर हम लोग का इक्वेशन आ जाएगा। फिर हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग इस तीनों को जीरो बना लिए इसके हेल्प से, और इसका जीरो बना लिए इस दोनों को हेल्प से, ठीक है। तो फिर हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ एक वन इंटू एक्स वन प्लस वन इंटू एक्स टू प्लस वन इंटू एक्स थ्री प्लस वन इंटू एक्स फोर इक्वल टू टू, फिर इसमें क्या लिखेंगे, वन इंटू एक्स टू माइनस थ्री इंटू एक्स थ्री टू और जीरो इंटू एक्स थ्री, इस तरीके से करके हम लोग चार इक्वेशन बना लेंगे, ठीक है, एक्स वन के फॉर्म में। तो चार इक्वेशन बना लेंगे यहाँ से, फिर हम लोग चौथा का हेल्प से एक्स फोर निकाल लेंगे, एक्स फोर को इसमें रख देंगे तो एक्स थ्री निकल जाएगा, एक्स थ्री इसमें रख देंगे तो एक्स टू निकल जाएगा, और एक्स टू ये सारा वैल्यू रख देंगे तो हम लोग एक्स वन निकाल लेंगे, ठीक है। वही प्रोसेस है, सेम प्रोसेस जो मैं आप लोग को समझा चुकी हूँ। अब चलिए, अब मैं आप लोगों को बता देती हूँ, जैसे ये तो आप लोगों को न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आएगा, तो आप लोग उस तरीके से सॉल्व कर लीजिएगा, लेकिन आप लोगों को बोल देगा कि एक्सप्लेन गॉस एलिमिनेशन मेथड, ये भी पूछा जाता है एक्सप्लेन करने के लिए भी, ठीक है। आप लोगों को अल्टरनेट करके पूछा जाता है, ज़्यादातर तो देखा गया न्यूमेरिकल ही पूछा गया, लेकिन मैं बहुत सारा क्वेश्चन देखी हूँ, तो एक साल आप लोग को उसका डेरिवेशन पूछा जाएगा, मतलब एक्सप्लेन करने के लिए, और दूसरा साल उसी पर आप लोगों को न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए पूछा जाता है, इसी तरीके से आप लोगों का करवाया जाता है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, और इसको भी कर लेते हैं, वन शॉट कर रहे हैं ना, तो वन शॉट करने का मतलब कोई भी सेशन के स्टूडेंट देखिए सभी को हेल्पफुल मिलना चाहिए, ये तो नहीं कि से 20 से 23 का हम लोग ध्यान में रखते हुए बस उसी को हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे, ऐसा तो नहीं है, ठीक है। हम लोग वन शॉट देख रहे हैं, तो चलिए अब लोग गॉस एलिमिनेशन मेथड का देख लेते हैं, मतलब इसका प्रोसीजर मतलब कि वर्किंग रूल जो है ना वो इसमें एक्सप्लेन करना है। तो इन दिस मेथड दी अननोन आर एलिमिनेटेड सक्सेसफुली बाय ट्रांसफॉर्मिंग द गिवन सिस्टम इनटू एन इक्विवेलेंट सिस्टम कॉल्ड एन अपर ट्रायंगुलर कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। मतलब हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग इसको हम लोग बदलते हैं अपर ट्रायंगुलर कोएफिशिएंट मैट्रिक्स में, ठीक है। और उसके बाद हम लोग का जो भी एलिमेंट आता है उसको हम लोग रो ऑपरेशन करके हम लोग जीरो बनाते जाते हैं, और फिर हम लोगों को आते जाता है। फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक हम लोग इक्वेशन सिस्टम ऑफ थ्री इक्वेशन को एज्यूम करेंगे, ठीक है। तो फिर हम लोग का क्या हो जाएगा, हम लोग इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसिडर करेंगे, ठीक है। सिस्टम ऑफ इक्वेशन हम लोग कुछ इस प्रकार से कंसिडर करेंगे, फिर वही बात इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे तो इसका कोएफिशिएंट लिखेंगे, फिर ऑपरेशन लगाएंगे, ठीक है। तो ये सब जो काम उसमें करते थे ना वही है, बस उसमें न्यूमेरिकल डिजिट रहता था, इसमें ए वन बी वन सी वन करके लिख दिया गया है, ठीक है। तो ये आप लोगों का हो गया। तो अभी भी गॉस एलिमिनेशन मेथड से और भी क्वेश्चन आप लोगों को दिया जा रहा है, आप लोगों को क्या करना है, बना के मुझे बताना है, मुझे क्या मुझे बताइएगा, नहीं आप लोग है ना खुद का आंसर मिला लीजिएगा, ठीक है।
क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कॉस इलिमिनेशन मेथड इस टाइप का भी आप लोगों को चार इक्वेशन वाला भी बता दी हूँ, तीन इक्वेशन ये वाला बता दी हूँ, और आप लोगों को सॉल्व करना है और प्रैक्टिस करना है, ठीक है। इसके अलावा और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। और आप लोगों को जो कोर्स मिल रहा है ना, ये फ्री में जो यूट्यूब पे वन शॉट मिल रहा है ना, ये आप लोग कहीं भी ऑफलाइन ट्यूशन लेने जाइएगा ना, तो इसका आप लोगों को कितना पे करना होगा मैं बताऊँ, छोड़िए रहने दीजिए। चलिए देखिए गॉस जॉर्डन मेथड क्या है आप लोगों का। गॉस जॉर्डन मेथड हम लोग पढ़ने वाले हैं। गॉस इलिमिनेशन मेथड में आप किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। गॉस इलिमिनेशन मेथड में आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाला जो क्वेश्चन आता है वो भी मैं बता दी हूँ। तीन इक्वेशन वाला आता है वो भी मैं बता दी हूँ। चार इक्वेशन वाला आएगा वो भी मैं बता दी, ठीक है। सारा कुछ मैं बता चुकी हूँ और आप लोगों को लगभग पाँच क्वेश्चन इसमें दी हूँ और तीन इसमें लगभग आठ क्वेश्चन दी हूँ आप लोग को प्रैक्टिस करने के लिए। प्रैक्टिस कीजिए आप, ठीक है। अब देखिए क्या आप लोग का सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय गॉस जॉर्डन मेथड। तो अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे, मैं आप लोगों को बताऊंगी गॉस जॉर्डन मेथड। क्या बताऊंगी आप लोगों को, गॉस जॉर्डन मेथड। तो गॉस जॉर्डन मेथड में हम लोग पता है क्या करते हैं, इसमें भी बहुत ही आसान होता है। ये जो इसके नीचे है ना, ये तीनों इसको जीरो बनाएंगे, मतलब देखिए ये है ना, तो इस ये तीनों को जीरो बनाएंगे और साथ में ऊपर का भी तीनों का जीरो बनाएंगे। क्या करते हैं गॉस जॉर्डन मेथड में, और देखिए आप लोगों के परीक्षा में कैसे आता है। एक बार आप लोगों को गॉस एलिमिनेशन गॉस जॉर्डन दोनों साथ में आएगा, नहीं तो गॉस एलिमिनेशन और गॉस सीडल इटरेशन मेथड होता है, ये दोनों का पेयर, मतलब कि एक नंबर नाइन में वो रहेगा, टेन में ये रहेगा, इस तरीके से रहता है। तो गॉस जॉर्डन मेथड भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेकिन ये 20 से 23 सेशन के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये रहता तो आप लोग को ज़्यादा मज़ा आता इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, लेकिन फिर भी सीख लीजिए, ठीक है। कैसे सॉल्व दी फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय गॉस जॉर्डन मेथड, तो सबसे पहले ये दिया हुआ है, फिर हम लोग वही बात लिखेंगे दी गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी रिटन एज द मैट्रिक्स इक्वेशन दिस। फिर हम लोग क्या करेंगे, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाएंगे। बस इसमें अंतर यही है कि हम लोगों को है ना, इधर ये तीनों जीरो बनाने के साथ साथ ऊपर का भी तीनों को जीरो बनाना होता है। तो हम लोग चलिए पहले वही इस तीनों को जीरो बना लेते जैसे प्रोसेस करते थे। फिर हम लोग क्या करेंगे, अब इधर का जीरो बनाएंगे, क्या करेंगे इधर का जीरो बनाएंगे, ठीक है। क्या करेंगे हम लोग, इधर का जीरो बनाएंगे। तो इधर का जीरो कैसे बनाएंगे वो ध्यान दे दीजिए। इधर का जब जीरो बनाइएगा ना आप लोग आठ वन को, इसको देखिए ध्यान से समझिए, मैं आप लोग को जो समझा रही हूँ ध्यान से एकदम अच्छे से। ये आप लोग का यहाँ पे रहेगा, कोई कोई एलिमेंट रहेगा यहाँ यहाँ और यहाँ और यहाँ यहाँ और यहाँ और यहाँ। जीरो बनाना मैं सिखा दी हूँ, इसमें जब ऑपरेशन लगाना हुआ तो क्या लिखिएगा आर टू, फिर लिखिएगा आर टू माइनस यहाँ पे जो भी कोफिशिएंट रहेगा वो लिखिएगा डिवाइड में, इसके हेल्प से बना रहे तो ये लिखिएगा, और फिर लिखिएगा आर वन। आर थ्री में भी इसी तरीके से ऑपरेशन लगाइएगा और ये भी यहाँ पे लगाइएगा, ठीक है। अब देखिए ध्यान से समझिए, अब आप लोगों को यहाँ देखिए इस तरीके से रहेगा आप लोगों का, और यहाँ वन है यहाँ वन है वन है, यहाँ जीरो बन गया जीरो बन गया जीरो बन गया। अब इस दोनों को बनाना होगा ना, तो अब हम लोग इसमें ऑपरेशन लगाएंगे, ठीक है। इसमें ऑपरेशन लगाएंगे तो हम लोग किसकी हेल्प से लगाएंगे, मतलब आर वन में ऑपरेशन लगाएंगे यहाँ पे, और फिर हम लोग आर वन में पहले ऑपरेशन लगा लेंगे और उसके बाद हम लोग इसमें भी, इसको भी तो जीरो बनाना है, तो फिर हम लोग आर टू में ऑपरेशन लगा लेंगे, ठीक है। इसमें और इसको तो हम लोग आर थ्री के मदद से बनाएंगे, ठीक है। इसको और इसको जब जीरो बनाते रहेंगे, मतलब इस लाइन को और इसको, तो हम लोग किसकी हेल्प से बनाएंगे, आर थ्री की मदद से बनाएंगे। पहले हम लोग है ना आर वन की मदद से बनाया था जीरो, अब हम लोग आर थ्री की मदद से बनाएंगे। तो आर थ्री की मदद से बनाएंगे तो कैसे बनेगा, देखिए आर वन है, देखिए यहाँ पे आर वन, इसको जीरो बनाना है, किसको जीरो बनाना है इसको, तो आर वन पहले लिखिएगा, फिर लिखिएगा आर वन, फिर माइनस ये लिखिएगा तो सेवन बाई फाइव लिखिएगा, क्या लिखिएगा सेवन बाई फाइव। अब फिर आर थ्री का कोफिशिएंट क्या है, ट्वेल्व बाई फाइव, ठीक है। और यहाँ आर थ्री की मदद से बना रहे हैं तो आर थ्री लिखेंगे, ये फाइव से फाइव कट जाएगा तो क्या बचेगा सेवन बाई ट्वेल्व, तो यहाँ पर यही तो लिखा गया हुआ है आर वन माइनस सेवन बाई ट्वेल्व आर थ्री, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आप लोगों का, अब हम लोग है ना इसको आर वन में ऑपरेशन कर लिए, अब हम लोग आर टू जो यहाँ पे है ना यहाँ पे इसको जीरो बनाएंगे। देखिए ये ध्यान से समझिए, ये तीनों जीरो बनाना मैं सिखा चुकी हूँ तो इसमें ज़्यादा फोकस नहीं कर रही हूँ, लेकिन आप लोग को ये सब भी तो जीरो बनाना मुझे सिखाना है ना, इसको छोड़ के ये डायगोनल वाला सबको जीरो बनाना होता है। तो हम लोग इसको बनाएंगे ना आर टू को, तो आर टू को लिखेंगे तो पहले आर टू लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे आर टू, फिर माइनस टू है तो टू लिखेंगे, आर थ्री की मदद से बना रहे हैं तो आर थ्री यहाँ पर क्या है ट्वेल्व बाई फाइव आर थ्री, तो फिर हम लोग का यहाँ पर कट जाएगा, ठीक है। तो ये ऊपर आएगा तो क्या बनेगा आर टू माइनस फाइव बाई सिक्स आर थ्री, ठीक है। तो ये आप लोगों का आर वन और आर टू आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग का क्या हो जाएगा, दिस गिव्स, ये आप लोग का इक्वेशन देगा वन इंटू एक्स वाई प्लस जीरो इंटू वाई प्लस जीरो इंटू जेड इक्वल टू दिस, यहाँ से इक्वेशन बना लेंगे। फिर हम लोग का इक्वेशन वन को देखिएगा तो एक्स बराबर पता है, यहाँ से वाई बराबर पता है,
फिर हम लोग यहाँ से जेड बराबर भी पता चल जाएगा और एक्स और वाई और जेड का वैल्यू निकल के आ जाएगा। फिर आप लोगों गॉस जॉर्डन मेथड से के लिए कुछ क्वेश्चन मैं दे रही हूँ, आप लोगों को खुद से बनाना है, ठीक है। आंसर बस देख लीजिए कि इससे आप लोगों का क्या क्या आएगा, ये पूरा कितना क्वेश्चन दे दिया जा रहा है। दो क्वेश्चन तो आप लोगों को इसी में बता दिया गया है, तीसरा चौथा पचवा छठा ये आप लोगों को घर से बना के लाना है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग वीडियो ख़त्म हो जाने के बाद बना लीजिएगा। गॉस जॉर्डन मेथड आप लोगों को सिखा दी हुई है, आप लोगों को तीन जीरो करने आता था, बस वो दोनों को जीरो करना होता है, उधर वाला तो उधर वाला जब हम लोग जीरो करेंगे तो आर थ्री की हेल्प से लेंगे, ठीक है। किसका लेंगे हम लोग, आर थ्री का हेल्प लेंगे, फिर हम लोग उसको क्या करेंगे, जीरो बनाएंगे। तो अब गॉस जॉर्डन मेथड ज़्यादा हम लोग नहीं देखेंगे, हो गया, बस कंसेप्ट हम लोग जान गए और एक क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लिया। अब ज़्यादा टाइम वेस्ट क्यों करना है एक ही चीज़ में, और फिर उसी तरीके से इसमें चार वाला है तो चार वाला भी हम लोग उसी तरीके से कर लेंगे। बस इसमें क्या ध्यान रखेंगे, इसमें ध्यान रखेंगे इस तरीके से, इसके हेल्प से इस तीनों को जीरो बनाएंगे, इसके हेल्प से इस दोनों को जीरो बनाएंगे और इसके हेल्प से इसको जीरो बनाएंगे। फिर क्या करेंगे हम लोग, ये रो थ्री के हेल्प से हम लोग, फिर ये हो गया ना ये रो, फिर हम लोग ये सब को भी जीरो बनाएंगे, ये सब को भी जीरो बनाएंगे, ठीक है। बनाते जाएंगे जब तक बनते जाएगा, और फिर हम लोग का देखिए कुछ इस प्रकार से आ जाएगा, ठीक है। ये गॉस जॉर्डन मेथड तो और आसान होता है, मतलब इसको बस छोड़ना है, ठीक है, इसको छोड़ना है, बाकी सबको जीरो बना लेना है। इधर से भी पाँच जीरो बनेगा, तीन दो पाँच इधर, अच्छा तीन दो पाँच एक छः जीरो इधर बनेगा, तीन दो पाँच एक छः जीरो इधर बनेगा इसमें, ठीक है। और फिर आप लोगों का आराम से सारा वैल्यू निकल के आ जाएगा। अब आप लोगों को यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिया जा रहा है, चार इक्वेशन वाला, इसको गॉस जॉर्डन मेथड से बनाइएगा, ठीक है। तो अभी तक आप लोगों का कितना टाइम हुआ, आधा घंटा हुआ, आधा घंटा में आप लोग दो क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, और दो क्वेश्चन में आप लोग अगर 21 से 24 सेशन में एग्जामिनेशन देने जाइएगा ना, तो आप लोगों को दो क्वेश्चन लगभग आप लोगों का 32 नंबर कन्फर्म हो गया यहीं से। और अगर आप लोग 20 से 23 सेशन में जाइएगा तो एक गॉस एलिमिनेशन ही आएगा, ठीक है। लेकिन अगर गॉस जॉर्डन आ जाएगा तो फिर आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है, और ये बिल्कुल बहाना नहीं बनाना कि आप तो बोले तो नहीं आएगा, आ गया क्या हो गया, अगर आ भी जाएगा तो कितना सिंपल क्वेश्चन है, बस उधर वाला भी जीरो बना लेना है, यही ना। तो इतना आप लोग कर नहीं सकते अगर आ भी गया तो, अगर आ गया तो खुश होना है, गॉस जॉर्डन आया तो दुख नहीं होना है, ठीक है। लेकिन आप लोगों का जो क्वेश्चन बैंक का मैं प्रोसेस देखी हूँ, इस हिसाब से मैं बताई हूँ कि ये नहीं आएगा, लेकिन अगर आ गया तो खुश होना है, उदास नहीं होना है। चलिए देखिए क्या, एक्सप्लेन गॉस जॉर्डन मेथड टू सॉल्व अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो वही हम लोग बस बात बना देना है कि हाँ ऐसे ऐसे करते हैं, उसको जीरो बनाते हैं बस, और जो जो ऑपरेशन एक एग्जांपल ले लेंगे एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन, और फिर हम लोग उसको पूरा एक्सप्लेन कर देंगे जैसे न्यूमेरिकल डिजिट पे करते हैं ना वैसे, और फिर हम लोग का बन जाएगा। चलिए हम लोग गॉस एलिमिनेशन मेथड पढ़ लिए, गॉस जॉर्डन मेथड पढ़ लिए, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं गॉस सीडल एट्रेशन मेथड। क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग, गॉस सीडल एट्रेशन मेथड। तो गॉस सीडल एट्रेशन मेथड आप लोगों के परीक्षा में आएगा। और आप लोग को एक बात मैं बताऊँ, जैसे कि आप लोग बहुत सारा क्वेश्चन बैंक, मतलब कि आप लोग तो ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हैं, पेपर एट पढ़ रहे हैं, इतना तो आप लोगों को पता होगा कि आप लोग के यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में जितने भी क्वेश्चन आते हैं सभी में बी जरूर रहता है। तो ये सब कुछ ऐसा क्वेश्चन है ना जो फुल टॉस क्वेश्चन है, मतलब इसमें बी नहीं रहेगा, बस एक क्वेश्चन बनाइए और आपका बल्ले बल्ले। गॉस एलिमिनेशन मेथड में भी आप लोगों का कोई भी बी नंबर में क्वेश्चन नहीं देगा, गॉस सीडल एट्रेशन मेथड भी पूछा जाएगा और आप लोगों के बी नंबर में नहीं देगा कुछ भी, ठीक है। तो दो क्वेश्चन आप लोगों का, देखिए छः क्वेश्चन बनाना रहता है, लगभग आप लोग का 100 मार्क्स का रहता है, तो अगर 16 × 96 हुआ तो एक क्वेश्चन का लगभग 16 नंबर हुआ, ठीक है। तो दो क्वेश्चन तो आप लोग का 16 × 32 तो यहाँ से हो जाएगा, और 6 ही क्वेश्चन बनाना रहता है तो दो क्वेश्चन का टेंशन खत्म है। अब आप लोग को 4 क्वेश्चन का ना टेंशन है, ठीक है। चलिए अब देखिए इसमें गॉस सीडल एट्रेशन मेथड पढ़ते हैं हम लोग। तो इसमें हम लोगों का क्या रहता है, इसमें हम लोगों का यहाँ पे इक्वेशन दिया रहता है, एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। इसमें हम लोग क्या करते हैं, देखिए इसमें जिसका भी कोफिशियंट जब हम लोग क्या देखते हैं इसमें, देखिए इसमें देखते हैं हम लोग जहाँ पे A1 का कोफिशियंट है ना, A1 का कोफिशियंट B1 और C1 के कोफिशियंट से बड़ा होगा इसके प्लस से, फिर इसमें जो है वो B2 का कोफिशियंट जो है वो बड़ा होगा किसके, C2 + A2 के। इसमें जो होगा C3 का कोफिशियंट बड़ा होगा किसके, A3 + B3 के। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए जिस इक्वेशन में, देखिए ध्यान से समझिए, तीनों में से जिस भी इक्वेशन में आप लोगों का है ना कोफिशियंट जिसका बड़ा देगा, ठीक है, उसी का मान निकलेगा। तो इसमें आप लोगों का A1 बड़ा है तो यहाँ से X1 का वैल्यू निकलेगा, तो X1 का वैल्यू कैसे निकलेगा, A1x = ये इधर राइट में जाएगा तो D1 - B1y - C1z, तो ये A1x का वैल्यू तो यहाँ से X का निकल जाएगा। इसमें किसका कोफिशियंट बड़ा है, B2 का, तो यहाँ से Y का वैल्यू निकलेगा। इसमें किसका कोफिशियंट पता है, कोफिशियंट बड़ा है सबसे बड़ा C3 का, तो यहाँ से Z का वैल्यू निकलेगा। तो यहाँ से 1, 2, 3 मान लेंगे, ठीक है। तो हम लोग का फ्रॉम दिस इक्वेशन हम लोग का क्या आ गया, X और Y और Z का वैल्यू आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग अप्रोक्सीमेशन निकालेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, अप्रोक्सीमेशन निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन निकालेंगे ना, उसमें वाई के जगह पे वाई नॉट और जेड के जगह पे जेड नॉट रखेंगे। क्या रखेंगे, वाई के जगह पे वाई नॉट और जेड के जगह पे जेड नॉट रखेंगे।
तो चलिए देखिए, नाउ वी स्टार्ट विथ इनिशियल अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, इनिशियल अप्रोक्सीमेशन निकालेंगे तो एक्स नॉट वाई वन जेड वन निकालेंगे फॉर एक्स वन वाई फॉर एक्स वाई जेड रिस्पेक्टिवली विच मे बी टेकन एज जीरो। क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग बताएं क्या करेंगे, वाई और जेड का वैल्यू जीरो रखिएगा, एक्स का वैल्यू निकल जाएगा ना, तो हम लोग एक्स वन का वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, एक्स का वैल्यू निकाल लेंगे, ध्यान समझिएगा। फिर एक्स वन का जो भी वैल्यू आया है ना, तो अब हम लोग वाई वन का वैल्यू निकालेंगे। देखिए सबसे पहले क्या कीजिएगा, एक्स वन का वैल्यू निकालिएगा। क्या कीजिएगा, देखिए फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन ध्यान से समझिए, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन निकालना है मतलब एक्स वन वाई वन जेड वन का वैल्यू निकालना है। क्या करना है, एक्स वन वाई वन जेड वन का वैल्यू निकालना है। तो एक्स वन का जब वैल्यू निकालेंगे तो हम लोग पहला जो करते हैं ना उसमें वाई नॉट और जेड नॉट का वैल्यू जीरो लेते हैं। क्या लेते हैं, वाई नॉट और जेड नॉट का वैल्यू जीरो लेते हैं, तो यहाँ से एक्स वन निकल जाएगा। जब हम लोग वाई वन निकालेंगे ना, एक्स वन निकल चुका है तो एक्स वन रखेंगे, और जेड अभी तक नहीं निकला है तो जेड नॉट का वैल्यू जीरो रखेंगे। फिर आप लोग का वाई वन निकल जाएगा, एक्स वन निकल गया, वाई वन निकल गया, और जेड वन निकल जाएगा। जेड वन जब हम लोग निकालेंगे ना, तो थोड़ा देर पहले तुरंत बैक में जो एक्स वन और वाई वन का वैल्यू निकाले वो हम लोग यहाँ पे रख के जेड वन का वैल्यू निकालेंगे। और ये प्रोसेस को हम लोग करते जाएंगे कब तक, जब तक कि हम लोग का कोई भी बराबर वैल्यू ना आ जाए। ठीक है, द एवर मेथड इज यूज वेन कोफिशियंट मैट्रिक्स ए इज डायगोनली डोमिनेंट, दैट मीन्स इन द फर्स्ट इक्वेशन ए वन इज ग्रेटर दैन दिस, इन द सेकंड इक्वेशन दिस, इन द थर्ड इक्वेशन दिस, इफ इट इज नॉट सो देन वी रीअरेंज द गिवन इक्वेशन सो दैट द कोफिशियंट मैट्रिक्स बिकम्स डायगोनली डोमिनेंट। ठीक है, मतलब हम लोगों को जो डायगोनल एलिमेंट होगा ना वो सबसे बड़ा होना चाहिए। ठीक है, अगर बड़ा नहीं है तो उसको कुछ उस प्रकार से अरेंज करके कर लीजिए ताकि बड़ा हो जाए। तो चलिए हम लोग एक क्वेश्चन समझेंगे, हम लोग पूरा वर्किंग रूल समझ चुके हैं, हम लोग इस क्वेश्चन की मदद से बनाएंगे। तो देखिए अगर आप लोग इस क्वेश्चन में देखिएगा तो इसमें सबसे बड़ा कोफिशिएंट किसका है, 8 3 -4 में 8 का बड़ा है। तो क्या देखिए, 8 का मॉडुलस इक्वल है -3 का मॉडुलस प्लस 2 का मॉडुलस बड़ा होगा। ठीक है, क्या बड़ा था ना, तो 8 बराबर क्या है, -3 3 + 2 3 + 2 क्या होता है 5, तो मतलब 8 बड़ा है 5 से। चलिए ठीक है, सेटिस्फाई करा, इसमें सबसे बड़ा कोफिशिएंट किसका है, ठीक है पहला सेटिस्फाई कर रहा है। फिर दूसरा देखिए, सबसे बड़ा है किसका, 11, तो 11 का मॉड क्या बड़ा है 4 के मॉड प्लस -1 के मॉड से, तो 11 बड़ा है 5 से। ठीक है, चलिए ये भी ठीक है। फिर तीसरा कंडीशन इसमें क्या है, 12 का, तो 12 क्या बड़ा है किससे, बड़ा है 6 + 3 के, तो 6 + 3 9 से बड़ा है 12, तो ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए इसमें हम लोग का सबसे बड़ा क्या है, x का कोफिशिएंट। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग x का वैल्यू निकालेंगे तो क्या निकलेगा, 20 + 3y - 2z, और यह आएगा डिवाइड बाई 1/8 आएगा। ठीक है, तो यहाँ से x का वैल्यू आएगा। फिर क्या निकालेंगे हम लोग, y का वैल्यू, तो y का वैल्यू यहाँ से निकालेगा तो क्या आएगा, 33 - 4x + z, और यहाँ डिवाइडेड में 1/11 आएगा। फिर यहाँ से z का वैल्यू निकालेगा तो क्या आएगा, -35 - 6x - 3y, और 1/12 आएगा डिवाइड में। ठीक है, तो यहाँ से आप लोगों का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या निकलेगा, फ्रॉम द गिवन इक्वेशन x और y और z आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट आइट्रेशन निकालेंगे। क्या निकालेंगे, फर्स्ट आइट्रेशन कहिए या फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन कहिए। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, y और z का वैल्यू जीरो पुट करेंगे तो यहाँ x का वैल्यू निकल जाएगा। अब हम लोग y का निकालना जाएंगे, मतलब x1 निकलेगा। अब हम लोग y1 निकालेंगे तो y1 निकालेंगे तो जो x1 थोड़ा देर पहले निकाले हैं ना वो x की जगह पर रखेंगे और z की जगह पर जीरो रखेंगे। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, x और y का वैल्यू जब निकल जाएगा तो z का वैल्यू x और y का वैल्यू रख देंगे तो z का वैल्यू आ गया। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन निकालेंगे। तो हम लोग का x फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन में y और z को जीरो पुट करेंगे तो x1 आ जाएगा। फिर हम लोग x की जगह पर x1 और z की जगह पर जीरो रखेंगे 2 में, फिर हम लोग का y1 आ जाएगा। फिर क्या करेंगे हम लोग, x इक्वल टू x1 और y इक्वल टू y1 रखेंगे 3 में, तो हम लोग का z1 आ जाएगा। अब हम लोग सेकेंड आइट्रेशन निकालेंगे, तो सेकेंड आइट्रेशन में हम लोग पहले x2 निकालेंगे। तो x2 निकालेंगे तो y और z को z की जगह पर y1 z1 रखेंगे तो हम लोग का x2 का वैल्यू आ जाएगा। फिर हम लोग जब y2 निकालेंगे तो x की जगह पे x2 रखेंगे और z की जगह पे z1 ही रखेंगे। मतलब हम लोग क्या है, जस्ट पहले वाला जो निकलते जाएगा ना उसको रखते जाएंगे, और इसी तरीके से हम लोग बहुत देर तक निकालते जाएंगे, बहुत देर तक निकालते जाएंगे। फिर थर्ड आइटरेशन निकालेंगे, फिर फोर्थ आइटरेशन निकालेंगे, और पता है कब तक निकालेंगे, जब तक हम लोग का कोई भी एक्स वाई जेड का वैल्यू, जैसे फोर्थ आइटरेशन निकलेगा ना तो जो वैल्यू फोर्थ आइटरेशन में आएगा ना वही वैल्यू अगर सेम एज इट इज फिफ्थ आइटरेशन में आ जाएगा तो बस हम लोग वहीं पर रुक जाएंगे और वही हम लोग का एक्स और वाई और जेड का वैल्यू हो जाएगा। तो यहाँ पर सिक्स्थ आइटरेशन मैं निकाली हूँ, तो सिक्स आइट्रेशन के बाद आप लोग का वैल्यू फिफ्थ आइट्रेशन और सिक्स आइट्रेशन का वैल्यू सेम आया, तो वहाँ पे रुक गए और एक्स वाई और जेड का आंसर बता दिए। तो एक क्वेश्चन तो आप लोगों को बता दिया गया है, और एक क्वेश्चन आप लोगों को खुद से मैं दिखा देती हूँ कि कैसे कैसे बनाते हैं। देखिए अब आप लोगों को उसके बाद मैं कुछ क्वेश्चन दे दूंगी और आप लोगों को खुद से गॉस आइट्रेशन मेथड से प्रैक्टिस करना होगा। ठीक है, खूब आइट्रेशन निकाल लिए, कैलकुलेटर तो परीक्षा में ले ही जाना है, हाथ में कैलकुलेटर ले लीजिए और फिर कैलकुलेटर से ही के हेल्प से ही बनाने की कोशिश कीजिए। और उसके बाद क्या कीजिएगा, आप लोग यहाँ से आके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और आप लोग
आंसर मिला लीजिएगा। तो अब इस तरीके से हम लोग गॉस जो एलिमिनेशन मेथड पढ़ लिए, गॉस जॉर्डन मेथड पढ़ लिए, गॉस सीडल एट्रेशन मेथड पढ़ लिए, ठीक है, ये पढ़ चुके हैं। अब हम लोग बार बार एक ही टॉपिक को, कंसेप्ट तो सारा क्लियर हो गया ना, अब तो क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करना है। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए मैं दिखा भी दे रही हूँ, क्वेश्चन लिख लीजिए या फिर आप लोग उसको बनाइएगा, ठीक है, खुद से बनाइएगा। आप लोग जब तक बनाइएगा नहीं ना तब तक आप लोगों का काम नहीं चलने वाला है। बनाइए, देखिए कि क्या होता है क्या नहीं। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे बाइसेक्शन मेथड। तो बाइसेक्शन मेथड भी आता ही रहता है परीक्षा में, कोई नई बात नहीं है, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए अब हम लोग पहले बाइसेक्शन मेथड का वर्किंग रूल समझेंगे और फिर हम लोग उसका आगे सॉल्व करेंगे। चलिए अब मैं आप लोगों को बाइसेक्शन मेथड पढ़ाने वाली हूँ। आप लोगों का गॉस एलिमिनेशन मेथड कंप्लीट हो गया, गॉस जॉर्डन मेथड कंप्लीट हो गया, गॉस सीडल एट्रेशन मेथड कंप्लीट हो गया। और इस तीनों मेथड में से दो मेथड आप लोगों के परीक्षा में 100% कंफर्म है कि आएगा, ठीक है। और 20 से 23 सेशन वालों के लिए मैं बता दूँ, 20 से 23 सेशन वाले स्टूडेंट के लिए गॉस एलिमिनेशन मेथड और गॉस सीडल एट्रेशन मेथड आएगा। और 21 से 24 वाले कोई स्टूडेंट देखेंगे तो उन लोगों को गॉस एलिमिनेशन मेथड और गॉस जॉर्डन मेथड आएगा, ठीक है। तीनों मेथड आप लोगों को सीख लेना है कि अगर दूसरा भी आ जाए तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, आप लोगों को खुश होना चाहिए क्योंकि ये तीनों मेथड बहुत ही आसान होते हैं। चलिए अब मैं आप लोगों को बाइसेक्शन मेथड पढ़ाऊंगी। बाइसेक्शन मेथड भी अल्टरनेट ईयर करके रिपीट होता ही रहता है। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें हम लोग रूट निकालते हैं, हम लोग का एक इक्वेशन दिया रहता है और हम लोग को बाइसेक्शन मेथड का यूज करके क्या करना होता है, उसका रूट निकालना होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या, एक्सप्लेन बाइसेक्शन मेथड टू फाइंड अ रूट ऑफ इक्वेशन एफ एक्स इक्वल टू जीरो। तो सबसे पहले हम लोग एक फंक्शन मान लेंगे, लेट द फंक्शन एफ एक्स बी कंटिन्यूअस बिटवीन ए एंड बी। हम लोग है ना एक फंक्शन मान लेंगे एफ एक्स जो कि कंटिन्यूअस होगा किसी एक पॉइंट पे ए और बी में, किसी ए और बी के बीच में किसी एक पॉइंट पे, ठीक है। फॉर डेफिनेशन लेट एफ ए इज नेगेटिव एंड एफ बी भी पॉजिटिव। तो देखिए इसमें क्या क्या होता है, इसमें आप लोग का एक वैल्यू रखना होता है, कोई भी वैल्यू रखना होता है। तो एक वैल्यू रखेंगे एफ ऑफ ए और एक वैल्यू रखेंगे एफ ऑफ बी। तो एफ ऑफ ए जो है वो आप लोग का निगेटिव आएगा और एफ ऑफ बी पॉजिटिव आएगा ना, तो इसका जो रूट होगा ना वो ए और बी के बीच में लाई करेगा, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, फॉर डेफिनेशन लेट एफ ए बी निगेटिव, एफ ए को निगेटिव मान लीजिए, एफ बी को पॉजिटिव, तो देन देयर इज अ रूट ऑफ एफ एक्स इक्वल टू जीरो लाइंग बिटवीन ए एंड बी। तो लेट द फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन टू द रूट बी, तो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन जो एक्स वन है वो एक्स वन हम लोग निकालेंगे ए प्लस बी बाई टू से। तो अब हम लोग क्या करेंगे, नाउ एफ ऑफ एक्स वन इक्वल टू जीरो, तो हम लोग क्या करेंगे एफ ऑफ एक्स वन इक्वल टू जीरो डालेंगे, जो हम लोग का फंक्शन दिया हुआ रहेगा ना उसमें हम लोग एक्स के जगह पे एक्स वन डालेंगे और इसको जीरो पुट करेंगे। तो हम लोग अगर एफ ऑफ एक्स वन इक्वल टू जीरो आया मतलब एक्स वन जो है वो रूट हो जाएगा, किसका रूट हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो का, ठीक है। अदरवाइज द रूट विल लाई बिटवीन जीरो एंड एक्स वन, नहीं तो आप लोगों का क्या हो जाएगा, रूट जो है किससे किसके बीच में लाई करेगा, जीरो एंड एक्स वन एंड एक्स वन एंड बी डिपेंडिंग अपन वेदर एफ ऑफ एक्स वन इज पॉजिटिव और नेगेटिव। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले हम लोगों का एफ ऑफ ए निकालेंगे, एफ ऑफ बी निकालेंगे। अगर किसी भी खास वैल्यू पे एफ ए निगेटिव आ रहा है और एफ ऑफ बी जो है ना वो पॉजिटिव आएगा तो वहाँ पर हम लोग जो उसका रूट होगा वो किसके किसके बीच में लाई करेगा, ए और बी में। अब हम लोग फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन निकालेंगे तो एक्स वन निकालेंगे ए प्लस बी बाई टू से, उसके बाद हम लोग एफ ऑफ एक्स वन इक्वल टू जीरो करेंगे मतलब एक्स वन जो है वो रूट हो जाएगा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो के। तो अब हम लोग का जो रूट होगा ना वो किससे किसके बीच में लाई करेगा, जीरो और एक्स वन के बीच में और एक्स वन और बी के बीच में। ये डिपेंड किस में करेगा कि कब जीरो से एक्स वन के बीच में रूट लाई करेगा और कब एक्स वन से बी के बीच में रूट लाई करेगा, जब हम लोग एफ एक्स का वैल्यू देखेंगे। एफ ऑफ एक्स वन का वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव इस पर डिपेंड करेगा कि आप लोग का रूट किसके किसके बीच में आने वाला है, ठीक है। फिर क्या बोला है, देन एज बिफोर वी बाइसेक्ट द इंटरवल एंड कंटिन्यू द प्रोसेस टिल द रूट इज फाउंड टू बी डिजायर्ड एक्वायर्ड। फिर क्या करेंगे, हम लोग इस प्रोसेस को आगे बढ़ाते जाएंगे, आगे बढ़ाते जाएंगे, आगे बढ़ाते जाएंगे, कब तक, जब तक कि हम लोग का सेम वैल्यू रिपीट ना कर दे, ठीक है। इन द फिगर एफ ऑफ एक्स वन इज पॉजिटिव, देयरफॉर द रूट लाई बिटवीन ए एंड एक्स वन। तो अगर आप लोग का एफ ऑफ एक्स वन निकालिएगा, ठीक है, एफ ऑफ एक्स वन निकालिएगा तो रूट जो है एफ ऑफ एक्स वन क्या है, एफ ऑफ एक्स वन निकालिएगा तो रूट जो है वो आप लोगों का क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। तो जो रूट है वो रूट किसके किसके बीच में लाई करेगा, ए और एक्स वन के बीच में, ठीक है। अगर एफ ऑफ एक्स वन पॉजिटिव आया, क्या आया, एफ ऑफ एक्स वन पॉजिटिव आया तो रूट किसके किसके बीच में लाई करेगा, ए वन और एक्स के बीच में। फिर क्या करेंगे हम लोग, द सेकेंड अप्रोक्सीमेशन निकालेंगे, द सेकेंड अप्रोक्सीमेशन टू द रूट इज एक्स टू। अब हम लोग एक्स टू निकालेंगे तो पता है कैसे निकालेंगे, ए प्लस एक्स वन बाई टू। अब हम लोग का एफ ऑफ मान लीजिए क्या, किसे एफ ऑफ एक्स टू जो है वो निगेटिव आ गया, इस बार क्या आ गया, किसी भी समय किसी में आ सकता है। तो जब आप लोगों का नेगेटिव आ जाएगा तो रूट जो है किसको किसके बीच में लाई करेगा, एक्स टू और एक्स वन के बीच में लाई करेगा। देखिए नेगेटिव आएगा तो किसके किसके बीच में लाई करेगा, एक्स टू और एक्स वन के बीच में। और पॉजिटिव आया था, देखिए आप लोग का एक ए
एक है एक्स वन, एक है एक्स टू। अगर आप लोग का पॉजिटिव आएगा वैल्यू तो इसके इसके बीच में लाई करेगा, और अगर नेगेटिव आया तो एक्स के और इसके बीच में लाई करेगा, एक्स टू और एक्स वन के बीच में। अब हम लोग क्या करेंगे, थर्ड अप्रोक्सीमेशन निकालेंगे। थर्ड अप्रोक्सीमेशन निकालेंगे एक्स थ्री, और भी मैं एक तरीका बताती हूँ, ठीक है, रुक जाइए। एक्स ऑफ थ्री अगर निकालेंगे ना, एक्स ऑफ थ्री तो क्या करेंगे, इस दोनों को ऐड करेंगे, एक्स टू और एक्स वन के बीच में रूट लाई कर रहा है ना, तो एक्स टू प्लस एक्स वन बाई टू करेंगे और सो वन करेंगे। और इसी तरीके से हम लोग फिर एफ ऑफ एक्स थ्री निकाले, फिर क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स थ्री निकालेंगे। एफ ऑफ एक्स थ्री अगर आप लोगों का पॉजिटिव आया तो हम लोग का देखेंगे किसके किसके बीच में रूट लाई कर रहा है, और एफ ऑफ एक्स थ्री नेगेटिव आया तो फिर देखेंगे हम लोग किसके किसके बीच में रूट लाई कर रहा है। तो ये तो प्रोसेस था, वर्किंग रूल ये समझा दिया, क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग समझाएंगे ना तो आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो देखिए क्या दिया गया क्वेश्चन में, फाइंड अ रूट, क्या बोला है, फाइंड ए रूट ऑफ द इक्वेशन दिस, करेक्ट टू द थ्री डेसिमल प्लेसेस यूजिंग बाइसेक्शन मेथड। बाइसेक्शन मेथड की मदद से इसका रूट निकालना है, तो हम लोग सबसे पहले मान लेंगे क्या, लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिस, तो जो भी फंक्शन दिया हुआ रहेगा उसको मान लेंगे लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिस। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो हम लोगों का फंक्शन दिया हुआ है ना, इसमें एक्स का अलग अलग वैल्यू रखेंगे, पहले एक्स इक्वल टू जीरो रखेंगे, फिर x इक्वल टू वन रखेंगे, फिर x इक्वल टू टू रखेंगे। और ये काम हम लोग कब तक करते जाएंगे, हम लोग ये काम तब तक करते जाएंगे जब तक हम लोग का साइन चेंज नहीं होता है फंक्शन का। मतलब देखिए यहाँ पे अगर आप लोग f ऑफ जीरो निकाले, क्या किए, देखिए ध्यान से समझिए, यहाँ पे अगर आप लोग f ऑफ जीरो निकाले तो निगेटिव आया, और यहाँ पे f ऑफ वन निकाले तो यहाँ भी निगेटिव आया, और यहाँ f ऑफ टू आया तो निगेटिव आया। तो हम लोग तब तक निकालते जाते, तब तक निकालते जाते, तब तक साइन चेंज नहीं होगा। और यहाँ f ऑफ थ्री निकाले तो यहाँ पॉजिटिव आ गया, तो बस यहीं पर रुक जाना है। तो हम लोग का यहाँ निगेटिव आया और यहाँ पे पॉजिटिव आया, मतलब एफ ऑफ ए यहाँ नेगेटिव है, एफ ऑफ बी यहाँ पॉजिटिव है। तो रूट किसी किसके बीच में लाई करता है, ए और बी में, तो यहाँ आप लोग का रूट ए किसके किसके बीच में लाई करेगा, दो और तीन के बीच में रूट लाई करेगा, ठीक है। तो अब हम लोग एक्स वन निकालेंगे, तो एक्स वन कैसे निकालेंगे, तो देखिए हेंस द रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो विल बी लाई बिटवीन, तो ये आप लोग का जो इक्वेशन था उसका रूट किसी किसके बीच में लाई करेगा, दो और तीन के। तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन निकालेंगे रूट का, तो दी फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन टू द रूट इज, तो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन रूट का क्या हो जाएगा, एक्स वन इक्वल टू वन बाई टू टू प्लस थ्री, क्या हो जाएगा, वन बाई टू टू प्लस थ्री, तो टू प्लस थ्री क्या हो जाएगा, फाइव बाई टू, फाइव बाई टू क्या हो जाएगा, टू पॉइंट फाइव। तो ये एक्स वन निकाल लीजिएगा, फिर क्या कीजिएगा, एफ ऑफ एक्स वन निकालिएगा, तो एफ ऑफ एक्स वन यहाँ क्या आया, निगेटिव आया, क्या आया आप लोगों का, एफ ऑफ एक्स वन निगेटिव आया, तो आप लोगों का किसके किसके बीच में वैल्यू लाई करेगा, तो आप लोगों का वैल्यू लाई करेगा रूट जो है वो एक्स वन और तीन के बीच में लाई करेगा। किसके किसके बीच में लाई करेगा, आप लोगों का एक्स वन और तीन के बीच में लाई करेगा। आप लोग का एक वैल्यू था ए और एक वैल्यू था बी, फिर आप लोग निकाले एक्स वन, ठीक है। तो यहाँ जब आप लोगों का एफ ऑफ एक्स वन निगेटिव आया है तो आप लोगों का रूट जो है वो किसके किसके बीच में लाई करेगा, इसके इसके बीच में लाई करेगा, ठीक है, एक्स वन और यहाँ बी क्या है, बी यहाँ थ्री है, तो रूट जो है आप लोग का एक्स वन और थ्री के बीच में लाई करेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड अप्रोक्सीमेशन निकालेंगे, क्या करेंगे हम लोग, सेकेंड अप्रोक्सीमेशन निकालेंगे रूट का, तो एक्स टू क्या आ जाएगा, वन बाई टू एक्स वन प्लस थ्री, तो यहाँ से एक्स टू का वैल्यू क्या आया, टू पॉइंट सेवन फाइव आया, ठीक है, क्या आया आप लोग का, एक्स टू का वैल्यू टू पॉइंट सेवन फाइव आया। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स टू निकालेंगे, तो एफ ऑफ एक्स टू यहाँ पे क्या आया, एफ ऑफ एक्स टू पॉजिटिव आया, तो जब पॉजिटिव आया तो रूट किसके किसके बीच में लाई करेगा, एक्स वन और एक्स टू के बीच में लाई करेगा। किसके किसके बीच में लाई करेगा आप लोग का रूट, इस बार उस बार निगेटिव आया था तो एक्स वन और थ्री के बीच में लाई किया था, और इस बार पॉजिटिव आया तो एक्स वन और टू के बीच में, एक्स वन और एक्स टू के बीच में लाई करेगा। फिर क्या करेंगे हम लोग, थर्ड अप्रोक्सीमेशन निकालेंगे, क्या करेंगे हम लोग, थर्ड अप्रोक्सीमेशन निकालेंगे, तो थर्ड अप्रोक्सीमेशन निकालेंगे तो हम लोग का एक्स थ्री निकलेगा, और एक्स थ्री कैसे निकलेगा, एक्स वन और एक्स टू को जोड़ के दो से डिवाइड करेंगे तो एक्स थ्री निकलेगा। फिर एक्स थ्री निकालने के बाद हम लोग क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स थ्री निकालेंगे, एफ ऑफ एक्स थ्री क्या आया, निगेटिव आया, तो एफ ऑफ एक्स थ्री निगेटिव आएगा तो रूट किसके किसके बीच में लाई करेगा, एक्स थ्री और एक्स टू के बीच में लाई करेगा, क्या किसके किसके बीच में लाई करेगा, एक्स थ्री और एक्स टू के बीच में लाई करेगा, ठीक है। जब वैल्यू निगेटिव आता है, एफ ऑफ एक्स जो है वो निगेटिव आता है ना, तो एक्स किसके बराबर होता है, ए के बराबर हो जाता है, ठीक है। और एफ ऑफ एक्स जब पॉजिटिव आता है, देखिए इसका है ना एक बॉक्स में ऐसे भी बनाया, तो पहले तो ये सीख लीजिए फिर एक तरीका बता दूंगी। तो फोर्थ अप्रोक्सीमेशन निकालेंगे, तो फोर्थ अप्रोक्सीमेशन कैसे निकालेंगे, दोनों को जोड़ के दो से भाग कर देंगे तो एक्स फोर निकालेंगे। एक्स फोर निकालने के बाद आप लोगों का क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स फोर आएगा। एफ ऑफ एक्स फोर क्या आया, निगेटिव आया, तो रूट किसके किसके बीच में लाई करेगा, एक्स फोर और एक्स टू के बीच में लाई करेगा। तो हम लोग यहाँ पे एक्स फोर और एक्स टू के बीच में लाई करेगा तो वो निकाल लेंगे। फिर क्या करेंगे हम लोग, फिफ्थ अप्रोक्सीमेशन निकालेंगे, तो फिफ्थ अप्रोक्सीमेशन निकालने के बाद जो वैल्यू आया
वो वैल्यू क्या आया, पॉजिटिव आया, तो पॉजिटिव आया तो 4 और 5 के बीच में रूट लाई करेगा। तो हम लोग इस तरीके से x6 निकालेंगे, x6 निकाले फिर f ऑफ x6 निकाले तो क्या आया, नेगेटिव आया। तो इस तरीके से हम लोग कब तक निकालते जाएंगे जब तक कि यहाँ 8th अप्रोक्सीमेशन निकाले, 9th अप्रोक्सीमेशन निकाले, 10th निकाले, 11th निकाले, अब फिर जाके हम लोगों का वैल्यू जो है वो सेम आएगा। देखिए यहाँ पे आप लोगों का 10th अप्रोक्सीमेशन क्या आया, x का वैल्यू 10th अप्रोक्सीमेशन में आप लोगों का, इसमें बहुत कैलकुलेशन है, यहाँ पे देखिए 2.7061 और मतलब यही है, और यहाँ भी 11th अप्रोक्सीमेशन में सेम ही है लगभग, वो डेसिमल के बाद तीन डिजिट तक सेम है ना, तो बस हम लोग का डेसिमल के बाद 3 डिजिट तक ही निकालना था। तो जब तक ये सेम नहीं हो जाता है तब तक हम लोग को इस प्रक्रिया को दोहराते रहना है और इस तरीके से हम लोग का ये क्वेश्चन आ जाएगा। चलिए अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि सबसे पहले देखिए ये तो इतना बड़ा लिखिएगा तो आप लोग के लिए अच्छा रहेगा, नहीं तो छोटा जगह में भी बना सकते हैं, लेकिन आप लोगों को पता है एग्जामिनेशन में पेज भरना होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखना है ए, और यहाँ लिखना है बी, फिर यहाँ क्या लिखना है एक्स, यहाँ लिखना है एफ ऑफ एक्स, फिर यहाँ क्या लिखना है एफ ऑफ ए, और यहाँ क्या लिखना है एफ ऑफ बी, ठीक है इतना ही काफ़ी है। फिर ए का वैल्यू लिखिएगा 2 था, यहाँ 3 था, एक्स कैसे निकालेंगे, ए प्लस बी बाई 2 मतलब 2 3 5, 5/2 2.5, एफ ऑफ एक्स में वैल्यू रखिएगा तो यहाँ पे आएगा, ठीक है। और एफ ऑफ ए जो है वो आप लोगों का क्या देगा, एफ ऑफ ए वैल्यू निकालिएगा एक्स की जगह पे तो वहाँ ऊपर आया हुआ है, ये आया हुआ है। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम लोग एफ ऑफ एक्स देखेंगे, ठीक है। अगर ये वैल्यू निगेटिव आया तो एक्स की जगह पे ए डालेंगे, क्या करेंगे हम लोग एक्स की जगह पे ए डालेंगे, मतलब 2.5 को उठा के यहाँ पे रख देंगे और यहाँ 3 का 3 ही रहेगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे अगर एक्स की जगह पे 2.5 डाले तो एक्स की जगह पे 2.5 डाले ना, तो यहाँ x निकालना है तो x कैसे निकलेगा, a प्लस बी बाई 2, इस दोनों को जोड़ेंगे 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ लिखेंगे, फिर हम लोग जो फंक्शन है ना उस फंक्शन में रख के यहाँ पे वैल्यू रख देंगे, फिर हम लोग एफ ऑफ ए मतलब एफ x के जगह पे 2.5 रखेंगे उसमें तो ये आएगा, एफ ऑफ बी यहाँ पे आ जाएगा। फिर क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ फिर एफ ऑफ एक्स का वैल्यू देखेंगे, अगर हम लोग का एफ ऑफ एक्स पॉजिटिव आया तो हम लोग एक्स के जगह पे बी रखेंगे, क्या रखेंगे एक्स के जगह पे एक्स इक्वल टू बी रखेंगे, तो यहाँ जो एक्स का वैल्यू आया रहेगा ना उसको हम लोग कहाँ रख देंगे, बी के जगह पे रख देंगे, और ए जैसे के तैसे उतर जाएगा। फिर हम लोग एक्स निकालेंगे तो ए प्लस बी बाई 2 करके हम लोग निकालते जाएंगे और हम लोगों का बनते जाएगा, ठीक है। बाइसेक्शन मेथड में अभी भी बताई हूँ आप लोगों को, इस मेथड से भी ऐसे करके अप्रोक्सीमेशन निकालते जाइएगा और जब तक निकालते जाइएगा जब तक कि सेम वैल्यू रिपीट ना हो। तो और मैं एक और वीडियो बनाई हुई हूँ अलग से जिसमें सिर्फ बाइसेक्शन मेथड को एक्सप्लेन किया गया हुआ है, ठीक है। तो वो भी आप लोग देख सकते हैं, यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा बाइसेक्शन मेथड बाय सुप्रिया एजुकेशन, अब उसको देख लीजिएगा तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। यहाँ तो वन शॉट वीडियो है तो इसी हिसाब से बताया जा रहा है ताकि कंसेप्ट को रिवाइज कराया जा सके। अब देखिए यहाँ पे एक वैल्यू है, यहाँ पे 2 क्वेश्चन है, तो अब क्वेश्चन आप लोगों को खुद से प्रैक्टिस करना है, यहाँ फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन निकालना है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ध्यान से देखिएगा ना, देखिए एक फार्मूला याद रखिए, ये ट्रिक है, एक फार्मूला याद रखना है कि आप लोगों को ए प्लस बी बाई 2, ये फार्मूला याद रखना है एक्स निकालने का, ठीक है। यहाँ पे देखिए एफ ऑफ एक्स वन पॉजिटिव आया, तो एक्स वन जब अब लोग का एफ ऑफ एक्स पॉजिटिव आया ना, तो पॉजिटिव आया तो क्या कीजिएगा, एक्स के जगह पे बी पुट कीजिएगा, क्या कीजिएगा, एफ ऑफ एक्स निगेटिव आएगा। एक बार मैं कंसेप्ट देख के आप लोगों को रिविजन करवा देती हूँ, एक बार एफ ऑफ एक्स निगेटिव भी आ सकता है और पॉजिटिव भी आ सकता है, ठीक है। तो आप लोगों को जब पॉजिटिव आएगा क्या आएगा, जब पॉजिटिव आएगा तो एक्स के जगह पे क्या डालना है, चलिए देखिए क्या था आप लोगों का एफ ऑफ एक्स वन पॉजिटिव आएगा तो रूट किसके किसके बीच में लाई करेगा, 2 और x1 के बीच में, किसके किसके, ए और x1 के बीच में लाई करेगा, ठीक है। तो हम लोग का ये आ गया, फिर हम लोग क्या करेंगे सेकेंड अप्रोक्सीमेशन निकालेंगे तो 2 प्लस x1/2 हो जाएगा, और x1 हम लोग निकाले हुए तो x1 के जगह पर रखेंगे तो ये x2 आ जाएगा। फिर एफ ऑफ x2 निकाले तो क्या है, पॉजिटिव आया तो रूट किसी किसके बीच में लाई करेगा, 2 और x2 के बीच में लाई करेगा। फिर हम लोग बनाएंगे तो हम लोग का एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या आया, फिर पॉजिटिव आया तो हम लोग का रूट किसी किसके बीच में लाई करेगा, 2 और x3 के बीच में लाई करेगा, ठीक है। देखिए पॉजिटिव आ रहा है तो हम लोग किसका वैल्यू बदल रहे हैं, ए का वैल्यू तो फिक्स है, बी का वैल्यू बदला जा रहा है, ठीक है। अगर पॉजिटिव आता है तो क्या करते हैं हम लोग, बी का वैल्यू को बदलते जाते हैं और सही रहता है। फिर आप लोगों का क्या हो गया, फिर आप लोगों का देखिए यहाँ पे फोर्थ अप्रोक्सीमेशन में निगेटिव आ गया, तो निगेटिव आ गया ना तो आप लोग इसका भी वैल्यू अब बदलेगा, ठीक है, और ये आ जाएगा x3 और ये हो जाएगा x4, तो x3 और x4 के बीच में निकालेंगे। फिर निकाले तो निगेटिव आया तो हम लोग का क्या हो जाएगा, तो अब हम लोगों का बी का वैल्यू भी निकले बदलेगा, ठीक है। जब निगेटिव आता है तो बी का वैल्यू बदलते हैं, ध्यान से रखिएगा, निगेटिव आएगा तो बी का वैल्यू बदलेंगे और जो पॉजिटिव आएगा तो ए का वैल्यू बदलेंगे, ठीक है। निगेटिव आएगा तो किसका वैल्यू बदलेंगे, निगेटिव आएगा तो हम लोग किसका वैल्यू बदलेंगे,
तो निगेटिव आएगा तो हम लोग बी का वैल्यू बदलेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पे जो यहाँ शुरू में था एक्स थ्री, तो एक्स थ्री है और निगेटिव आ रहा है तो यहाँ पे एक्स फोर हो गया और यहाँ पे एक्स फाइव हो गया। फिर हम लोग निकाले तो पॉजिटिव आ गया, तो पॉजिटिव आ गया तो अब हम लोगों का यहाँ पे एक्स सिक्स आया तो एक्स सिक्स ही रहेगा और ये बदल के आ जाएगा, ये एक्स फाइव आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोग फिर समझा चुकी हूँ मैं इससे पिछले वाले क्वेश्चन में, ठीक है, और फिर से एक बार समझाने की कोशिश कर रही हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से आ जाए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आप लोगों का जब आप लोग जब इसका रूट किसके किसके बीच में लाई करेगा, एक्स फाइव और एक्स सिक्स के बीच में, फिर सेवन्थ अप्रोक्सीमेशन निकाले तो यहाँ पे ये आया, फिर एफ ऑफ एक्स सेवन निकाले तो क्या आया, पॉजिटिव आया। तो पॉजिटिव आया तो रूट किसके किसके बीच में लाई करेंगे, तो अगर निगेटिव पॉजिटिव आएगा तो अभी थोड़ा पहले एक्सप्लेन क्यों ना, पॉजिटिव आएगा तो किसके किसके बीच में रूट लाई करेगा, तो आप लोगों का यहाँ पे क्या था, एक्स सिक्स था ना, और एक्स फाइव और एक्स सिक्स के बीच में रूट लाई कर रहा था, और जब वैल्यू पॉजिटिव आया ना तो आप लोग का किसके किसके बीच में रूट लाई करेगा, एक्स फाइव और एक्स सेवन के बीच में रूट लाई करेगा। फिर आगे जाएंगे हम लोग और फिर एट्थ अप्रोक्सीमेशन निकालेंगे, उसके बाद इसी तरीके से हम लोग निकालते जाएंगे, एट्थ निकालेंगे, नाइन्थ निकालेंगे, टेंथ निकालेंगे और फिर एलेवेंथ निकालेंगे, फिर जाके हम लोग का वैल्यू जो है वो टेंथ और एलेवेंथ का बराबर आया। देखिए 2.0946 और इसमें भी आया 2.094, तो यही हम लोगों का रूट का आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये वाला क्वेश्चन जो है वो गलत है। अब हम लोग रेगुलर फालसी मेथड पढ़ने वाले हैं। थोड़ा सा मैं बाइसेक्शन मेथड आप लोगों को एक बार बता देती हूँ कि देखिए हम लोगों का कुछ इस प्रकार से चार्ट रहता है। यहाँ पे हम लोगों का ए का वैल्यू दिया जाता है, यहाँ पे बी का वैल्यू दिया जाता है, यहाँ पे एक्स का या फिर यहाँ पे कहीं ले लीजिए एफ ऑफ ए का वैल्यू, यहाँ पे एफ ऑफ बी का वैल्यू, यहाँ पे एक्स का वैल्यू और यहाँ पे एफ ऑफ एक्स का वैल्यू, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू करते बदलते जाएंगे और ये हम लोग का बहुत ही बड़ा चार्ट बनता है, इतना छोटा से नहीं बनेगा। ए हम लोगों का ए और बी कैसे पता चलता है, जब हम लोग जो भी फंक्शन दिया रहता है ना उसमें हम लोग अलग अलग वैल्यू डालते हैं, जीरो डालते हैं, वन टू थ्री इस तरीके डालते जाते हैं, कोई ऐसे वैल्यू हम लोग सिलेक्ट करते हैं जहाँ पहले निगेटिव आया फिर उसके बाद पॉजिटिव आया, तो बस हम लोग क्या करते हैं उसमें रुक जाते हैं और जिस टाइम हम लोग का चेंज हुआ है ना उसका साइन, उस टाइम का ए और उस टाइम का बी ले लेते हैं। फिर एफ ऑफ ए उस जो फंक्शन है उसमें ए का वैल्यू रखेंगे तो जो आएगा उसको रख देंगे, और एफ ऑफ बी जो फंक्शन का वैल्यू जो फंक्शन है उसमें वैल्यू जो रहेगा उसको रख देंगे। फिर एक्स निकालेंगे, एक्स कैसे निकालेंगे, ए प्लस बी बाई टू से यहाँ पे एक्स निकालेंगे। फिर एफ ऑफ एक्स निकालेंगे, तो एफ ऑफ एक्स निकालेंगे तो हम लोग का निगेटिव भी आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है। तो अगर हम लोग का एफ ऑफ एक्स निगेटिव आया था, क्या आता है, एफ ऑफ एक्स निगेटिव आता है तो एक्स इक्वल टू ए पुट करना होता है, मतलब यहाँ पर जो एक्स है ना उसको उठा के यहाँ पर रख देना होता है, ये वाला उठा के यहाँ रख देंगे, बाकी एज इट इज़ रहेगा, बाकी जैसे काम चलेगा वैसे चलेगा। अगर पॉजिटिव आएगा तो हम लोग जो एक्स का वैल्यू है ना, एक्स का वैल्यू ये है, उसको उठा के बी के जगह पर रख देंगे, बस बात खत्म। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, रेगुलर फालसी मेथड, क्या पढ़ने वाले हैं, रेगुलर फालसी मेथड। तो इससे पहले मैं आप लोगों को क्या क्या पढ़ा दूँ, एक बार मेथड याद करवा देते हैं। आप लोग पढ़ चुके हैं गॉस एलिमिनेशन मेथड, गॉस जॉर्डन मेथड, गॉस सीडल आइट्रेशन मेथड, बाइसेक्शन मेथड। अब आप लोग पढ़ने वाले हैं रेगुलर फालसी मेथड, और रेगुलर फालसी मेथड को हम लोग मेथड ऑफ फालसी पोजिशन के नाम से भी जानते हैं। तो आप लोग को अगर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन ये पूछ दिया जाए कि सॉल्व दिस बाई मेथड ऑफ फालसी पोजिशन मेथड, तो आप लोगों को कन्फ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो इसमें अभी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग का इक्वेशन दिया रहता है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो, इसको हम लोग फालसी मेथड से सॉल्व करते हैं, रेगुलर फालसी मेथड से। तो कुछ इस प्रकार से है, वैल्यू सब दिया हुआ है, ए और बी के बीच में सारा वैल्यू है, अगर बनाना होगा ये तो सीधा ऐसे बना लीजिएगा, ऐसे 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 कर लीजिएगा अपना, ऐसे 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 डिजाइन बना लीजिएगा। चलिए ये आप लोग देखिए क्या है आप लोग का, लेट अस कंसीडर द इक्वेशन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो। हम लोग एक इक्वेशन कंसीडर करते हैं, क्या कंसीडर किया, इक्वेशन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो, तो वी हैव टू फाइंड अ रूट ऑफ एफ एक्स इक्वल टू जीरो। हम लोग एक इक्वेशन कंसीडर किए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो, तो अब हम लोग को रूट इसका फाइंड करना है। तो हम लोग मान लेते हैं लेट ए एंड बी वी टू पॉइंट्स सच दैट एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी आर अपोजिट है। तो हम लोग दो पॉइंट को मान लेते हैं जिसमें हम लोग का एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी जो है दोनों का साइन अपोजिट है, एक प्लस है तो एक माइनस है, ठीक है। देन द ग्राफ वाई इक्वल टू एफ एक्स क्रॉसेज एक्स एक्सिस एट सेम पॉइंट बिटवीन ए एंड बी, दिस इंडिकेट्स दैट अ रूट लाइज बिटवीन ए एंड बी। तो दी इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड ज्वाइनिंग पॉइंट ए कॉमा दिस, अब हम लोग क्या करेंगे, ये कॉर्ड जो है ना कॉर्ड, इसका इक्वेशन लिखेंगे, क्या करेंगे इसका इक्वेशन लिखेंगे, ये कॉर्ड है ना, ये कॉर्ड, इस कॉर्ड का इक्वेशन लिखेंगे। तो ये है ए कॉमा एफ ऑफ बी, और ये क्या है, ये है आप लोग का एक्स में क्या आया हुआ है, बी आया हुआ है, और वाई में एफ ऑफ बी है, यही है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए ए कॉमा एफ ऑफ ए है और बी कॉमा एफ ऑफ बी है, ठीक है, ए कॉमा एफ ऑफ ए है और बी कॉमा एफ ऑफ बी है। चलिए देखिए इसको मैं आप लोगों को समझाती हूँ, इस क्वाड का इक्वेशन कैसे लिखेंगे, एक स्टूडेंट को क्वेश्चन बैंक के सोल्यूशन में भी दिक्कत हो रहा था। देखिए इस क्वाड का इक्वेशन लिखना है ना, तो आप लोगों को दो पॉइंट पता है, तो टू पॉइंट फॉर्म जानते हैं क्या होता है, स्लोप बराबर, स्लोप पहले निकालते तो वाई माइनस वाई वन, वाई वन क्या है, ये है, डिवाइडेड बाई एक्स माइनस एक्स वन क्या है,
एक्स वन क्या है, ए है, ठीक है, यही है ना। ये क्या एक्स वन वाई वन, ये एक्स टू वाई टू, वाई माइनस वाई वन डिवाइड बाई एक्स माइनस एक्स वन। गलत लिख लिया आप लोगों को पता भी नहीं चला। देखिए यहाँ पर वाई माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए। देखिए ध्यान से देखिए क्या होता है फॉर्मूला स्लोप का, वाई माइनस वाई वन अपन एक्स माइनस एक्स वन। ये आप लोग का दो पॉइंट फॉर्म है, ठीक है, एक पॉइंट यहाँ दिया हुआ है और एक पॉइंट यहाँ, पॉइंट फॉर्म है ना। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट दिया हुआ है ये क्या है एक्स वन वाई वन, और ये क्या है आप लोग का एक्स टू वाई टू, यही है ना। तो आप लोगों का फॉर्मूला क्या होता है पता है, एम बराबर स्लोप बराबर होता है वाई माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस एक्स वन, ठीक है। तो यहाँ पे वाई वन क्या है एफ ऑफ ए और एक्स वन क्या है ए। तो आप लोग क्या लिखिएगा यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये एक स्टूडेंट को और प्रॉब्लम था वाई माइनस एफ पेड बैच में प्रॉब्लम था, तो यहाँ समझ लीजिएगा आप वाई माइनस एफ ऑफ ए और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा एक्स माइनस ए। तो ये स्लोप हो गया, फिर हम लोग का जो स्लोप पॉइंट फॉर्म है क्या, ये तो स्लोप हो गया। अब हम लोग निकालते हैं टू पॉइंट फॉर्म से, हम लोग निकालते हैं क्या y में से y को घटाइए। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या था एफ ऑफ एफ कमा बी, तो एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए हो जाएगा और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा b माइनस ए। अगर y माइनस एफ ऑफ ए निकालना है तो इधर डिवाइड में है तो इधर जाके ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा x माइनस ए। तो ये जो हम लोग लिखे ना ये क्या लिखे कॉर्ड का इक्वेशन लिखे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कॉर्ड का इक्वेशन लिख लिया और इसको मान लेंगे इक्वेशन वन। अब हम लोग क्या करेंगे, नाउ इन द इंटरवल ए बी द ग्राफ ऑफ एफ एक्स कैन बी कंसिडर एज अ कॉर्ड सो द इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन गिवन बाई वन विथ एक्स एक्सिस विल गिव एन अप्रोक्सीमेट वैल्यू टू द रूट द पुटिंग वाई इक्वल टू जीरो इन वन विगर। अब हम लोग क्या करेंगे वाई के जगह पे जीरो पुट करेंगे तो हम लोग का एक्स का वैल्यू आ जाएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन निकालेंगे, तो हेंस द फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन वैल्यू ऑफ द रूट इज। तो अब हम लोग क्या करेंगे फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन वैल्यू निकालेंगे, ये एक्स को एक्स वन डाल देंगे और इसका फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन वैल्यू निकालेंगे। फिर क्या करेंगे हम लोग एक्स वन निकाल देने के बाद एफ ऑफ एक्स वन और एफ ऑफ ए का साइन अपोजिट साइन का होगा, तो रूट जो है वो किसके किसके बीच में लाई करेगा, रूट जो है वो ए और एक्स वन के बीच में लाई करेगा। तो सो वी रिप्लेस क्या करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे बी को एक्स वन के रिप्लेस बी को सो वी रिप्लेस बी बाई एक्स वन। तो हम लोग क्या करेंगे बी के जगह पे एक्स वन पुट कर देंगे, क्या करेंगे बी के जगह पे। अब हम लोग जब सेकेंड अप्रोक्सीमेशन निकालेंगे ना तो बी के जगह पे एक्स वन पुट कर देंगे, ठीक है। सो वी रिप्लेस बी बाई एक्स वन इन टू इक्वेशन टू में बी के जगह पे क्या पुट कर देंगे एक्स वन पुट कर देंगे, ठीक है। एंड क्या है सो वी रिप्लेस बी बाई एक्स वन इन टू एंड गेट द नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन एक्स टू। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन निकाल लेंगे एक्स टू। बट इफ एफ ऑफ एक्स वन एंड एफ ऑफ वन आर ऑफ सेम साइन देन द रूट लाइज बिटवीन एक्स वन एंड बी सो वी रिप्लेस ए बाई एक्स वन इन इक्वेशन टू एंड गेट द नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन एक्स टू। देखिए इस लाइन को ध्यान से समझिए, एकदम ही ध्यान से और एकदम ही प्यार से समझिए, मैं आराम से समझाती हूँ। देखिए क्या बोला जा रहा है आप लोगों को, इसमें बोला जा रहा है कि आप लोगों को ये एक्स वन निकालिएगा, एक्स वन निकालिए, फिर क्या कीजिएगा आप लोग ये एक्स वन निकालिए, तो फिर आप लोग क्या कीजिएगा एफ ऑफ एक्स वन निकालिएगा, क्या कीजिएगा एफ ऑफ एक्स वन निकालिएगा, ठीक है, एफ ऑफ एक्स वन निकाल लीजिएगा। फिर आप लोग देखिएगा एफ ऑफ ए निकालिएगा, ठीक है, एफ ऑफ ए पहले से निकला होगा तो ठीक है, नहीं तो निकाल लीजिएगा। तो एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ ए अगर दोनों का साइन अपोजिट है, क्या है दोनों का साइन अपोजिट है, एक का पॉजिटिव एक का नेगेटिव, अगर दोनों का साइन पॉजिटिव होगा ना तो बी के जगह पर एक्स टू पुट कर देना है, क्या करना है आप लोगों को बी के जगह पे एक्स टू पुट कर देना है, यही बोला गया है। एक बार और देख लेते, नहीं बी के जगह पे एक्स वन पुट करना है, क्या करना है बी के जगह पे एक्स वन पुट करना है, कब जब इस दोनों का साइन नेगेटिव हो। लेकिन अगर साइन सेम होगा तो क्या कीजिएगा, तो आप लोग ए के जगह पे एक्स वन पुट कीजिएगा, ठीक है। अगर सेम साइन है तो ए के जगह पे एक्स वन पुट करेंगे, अपोजिट साइन है तो बी के जगह पे एक्स वन पुट करेंगे, बात खत्म। क्या बात समझे आप लोग, आप लोग समझे क्या कि आप लोगों को जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा ना उसमें ए पता रहेगा उसमें बी पता रहेगा, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी आप लोग निकाल लीजिएगा अलग अलग वैल्यू रख के जहाँ साइन चेंज होगा वहाँ से, ठीक है। फिर आप लोग क्या कीजिएगा एफ ऑफ एक्स वन निकालिएगा, एफ ऑफ ए निकालिएगा, दोनों का साइन देखिएगा अगर दोनों का साइन सेम है, दोनों का साइन सेम है तो ए के जगह पर एक्स वन पुट कीजिएगा, दोनों का साइन अपोजिट है मतलब एक का प्लस है एक का माइनस है तो आप लोग बी के जगह पर एक्स वन पुट कीजिएगा बस, ठीक है। और हम लोग ये काम को करते जाएंगे जब तक कि हम लोगों को सेम वैल्यू नहीं रिपीट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है फाइंड अ रूट ऑफ द इक्वेशन दिस बाय द मेथड ऑफ फालसे पोजीशन या रेगुलर फालसे मेथड करेक्ट टू डेसिमल प्लेस। तो हम लोग का लेट एफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है, फिर हम लोग एफ ऑफ जीरो निकाले, एफ ऑफ वन निकाले, एफ ऑफ टू निकाले, एफ ऑफ थ्री निकाले, तो ये निगेटिव है और ये पॉजिटिव है तो बस रुक जाएंगे। रूट हम लोग किसी किसके बीच लाई करेगा टू और थ्री के बीच में, तो ए हम लोग का टू है, बी जो है हम लोग का थ्री है, एफ ऑफ ए जो है वो माइनस ए है माइनस वन है और एफ ऑफ बी जो है वो थ्री है, ठीक है।
एफ ऑफ बी जो है वो मतलब एफ ऑफ थ्री क्या है 16 है। तो ये सारा निकाल लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग का जो फॉर्मूला दिया हुआ है उससे फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन निकालेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, सो द फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन टू द रूट इज गिवन बाई, तो फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन निकालने का क्या फॉर्मूला, एक्स वन इक्वल टू, ये फॉर्मूला याद रखिएगा, एक्स वन इक्वल टू है फॉर्मूला ए इंटू एफ बी माइनस बी इंटू एफ ए डिवाइड बाई एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, सारा वैल्यू रखिएगा तो एक्स वन का वैल्यू आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, जो भी फंक्शन दिया हुआ है उसमें एक्स वन के जगह पर ये पुट कीजिएगा, तो नाउ एफ ऑफ एक्स वन निकालेंगे। तो ये हम लोग कैलकुलेटर से निकालते हैं, कुछ से नहीं निकालते, तो एफ ऑफ एक्स वन क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। एफ ऑफ एक्स वन का वैल्यू क्या आया, नेगेटिव आया, और एफ ऑफ ए का वैल्यू क्या था, एफ ऑफ ए का ही वैल्यू चेक करना था ना, देख लीजिए यहाँ पे, हाँ एफ ऑफ ए का वैल्यू देखिए क्या है, एफ ऑफ ए का वैल्यू निगेटिव है, एफ ऑफ ए का भी वैल्यू निगेटिव है और एफ ऑफ एक्स वन का भी वैल्यू निगेटिव है। अगर दोनों का वैल्यू निगेटिव रहेगा तो क्या करना है, दोनों का वैल्यू सेम साइन रहेगा, क्या रहेगा, दोनों का वैल्यू सेम रहेगा तो आप लोगों को ए के जगह पर एक्स वन पुट करना है, क्या करना है, दोनों का वैल्यू अगर आप लोगों का सेम आता है, वो भी निगेटिव है ये भी निगेटिव है, दोनों का वैल्यू सेम आता है तो आप लोगों को जो फॉर्मूला सिखाया गया हुआ है उसमें ए के जगह पे एक्स वन पुट करना है। दोनों का वैल्यू सेम आएगा तो ए के जगह पे एक्स वन पुट करना है, बात खत्म। तो हम लोग का जो फॉर्मूला सिखाया गया था, क्या फॉर्मूला सिखाया गया था फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन का, ए इंटू एफ बी, तो हम लोग एक जगह पे एक्स वन लिखेंगे तो एक्स वन इंटू एफ बी माइनस ये एज इट इज रहेगा, और यहाँ लास्ट में हम लोग माइनस करते हैं एफ ऑफ ए, तो हम लोग एफ ऑफ एक्स लिखेंगे, और यहाँ पे भी एफ ऑफ ए होता है तो एक जगह पे एक्स वन पुट करेंगे, बात खत्म। जब हम लोग सेकेंड अप्रोक्सीमेशन निकालेंगे और एफ ऑफ एक्स वन का वैल्यू और एफ ऑफ ए का वैल्यू सेम आया रहेगा तो हम लोग ए के जगह पे एक्स वन पुट करेंगे, और हम लोग यहाँ से एक्स टू का वैल्यू निकाल लेंगे। एक्स टू का वैल्यू निकालने के लेने के बाद हम लोग एफ ऑफ एक्स टू का वैल्यू निकालेंगे, और एफ ऑफ एक्स टू का वैल्यू निगेटिव आया, अब एफ ऑफ एक्स टू का वैल्यू निगेटिव आया तो अब हम लोग सॉल्व करेंगे, तो उसमें क्या करेंगे, अब ए के जगह पर एक्स टू पुट करेंगे, क्या करेंगे, ए के जगह पर एक्स टू पुट करेंगे, पहले एक जगह पर एक्स वन पुट किए, अब एक जगह पर एक्स टू पुट किए, फिर हम लोग निकालेंगे, फिर हम लोग का एफ ऑफ एक्स थ्री निगेटिव आया तो हम लोग एक जगह पर एक्स थ्री पुट करेंगे, और इस तरीके से हम लोग अप्रोक्सीमेशन नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन निकालते जाएंगे जब तक कि हम लोग का सेम वैल्यू तक नहीं आता है। तो हम लोग इसमें टोटल 8 अप्रोक्सीमेशन निकालना होगा, ठीक है। अब हम लोग का सेम है, ये सारा क्वेश्चन सेम है, तो आप लोग खुद से इस सब को प्रैक्टिस कीजिएगा। आप लोग को एक क्वेश्चन एक कंसेप्ट पहले बता दिया जाता है कैसे किया जाता है, फिर एक क्वेश्चन से प्रैक्टिस करवा दिया जाता है, फिर आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चन होमवर्क दे दिया जाता है, और होमवर्क देने के साथ साथ उसका आंसर भी दिखा दिया जाता है, क्योंकि बाद में आप अपना आंसर मिला लीजिएगा। ये कैलकुलेशन मत देखिए, आप लोग अपना कैलकुलेटर उठाइएगा और वहाँ से लिखिएगा, ये क्वेश्चन देख लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो परीक्षा में पूछा गया हुआ है। क्या यूजिंग रेगुलर फॉल्सी मेथड टू फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन दिस करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेज, तो आप लोगों को 3 डेसिमल प्लेसेज तक इसका रूट फाइंड करना है। तो एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, एक्स के जगह 0 पुट कीजिए, 1 पुट कीजिए, ये कॉस 1 का वैल्यू कैलकुलेटर से ही पता करेगा, पता चलेगा ये माइनस है ये प्लस है, मतलब अगर जब माइनस प्लस रहता है तो रूट आप लोग का 0 और 1 के बीच में लाई करेगा, और उसके बाद क्या करेंगे, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन निकालेंगे, और यहाँ पे एफ ऑफ ए का वैल्यू क्या आया है, एफ ऑफ ए वैल्यू निगेटिव आया है और एफ ऑफ एक्स वन का वैल्यू पॉजिटिव आया है, मतलब क्या है, दोनों आप लोग का अलग साइन का है, मतलब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखते हैं, यहाँ पे एफ ऑफ जीरो क्या आया है, एफ ऑफ ए नेगेटिव आया है, और एफ ऑफ एक्स वन क्या आया है, अच्छा एफ ऑफ एक्स वन भी नेगेटिव आया है, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स वन भी नेगेटिव आया है, मतलब दोनों नेगेटिव है, मतलब दोनों सेम साइन का है, मतलब एक जगह पे एक्स वन पुट करेंगे और हम लोग सेकेंड अप्रोक्सीमेशन निकालेंगे, फिर हम लोग इसी तरीके से दोहराते जाएंगे काम को, ठीक है, और कैलकुलेटर की हेल्प से हम लोग इसको करेंगे। फिर हम लोग का यह है क्वेश्चन, यूजिंग रेगुलर फॉल्सी मेथड टू फाइंड द रियल रूट ऑफ द इक्वेशन दिस करेक्ट टू 4 डेसिमल प्लेसेस, तो गिवन इक्वेशन ये दिया हुआ है, फिर हम लोग यहाँ पे अलग अलग वैल्यू निकालेंगे, फिर हम लोग का देखेंगे निगेटिव पॉजिटिव कैसे आ रहा है, और इसको हम लोग फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन, सेकेंड अप्रोक्सीमेशन, थर्ड अप्रोक्सीमेशन, फोर्थ अप्रोक्सीमेशन, जब तक अप्रोक्सीमेशन निकालते रहे तब तक कि हम लोगों का वैल्यू सेम ना आ जाए। फिर हम लोग का यही सब क्वेश्चन है रेगुलर फॉल्सी मेथड से सॉल्व करने का, तो रेगुलर फॉल्सी मेथड से आप लोग अब हम लोग देखने वाले हैं न्यूटन रैप्सन मेथड, ओके। तो देखिए इस मेथड में क्या करना होता है, अभी इससे पहले बाइसेक्शन मेथड आप लोग देखे थे ना, तो उसमें क्या था, आप लोगों का एक इक्वेशन दिया जाता था और उसको सॉल्व करके उसका रूट निकालना होता था, ठीक है। तो न्यूटन रैप्सन मेथड में भी कुछ इसी प्रकार से होता है, तो आप लोगों को है ना एग्जामिनेशन में कोई भी इक्वेशन देके उसमें मेंशन किया गया रहेगा कि इसको सॉल्व कीजिए बाइसेक्शन मेथड से या न्यूटन रैप्सन मेथड से, तो आप लोग उसी के अकॉर्डिंग अपना जो भी मेथड बोलेगा उस मेथड से कीजिएगा, ठीक है।
तो देखिए आप लोगों के परीक्षा में एक प्रूफ पूछा जाता है और फिर नहीं तो न्यूमेरिकल पूछा जाएगा। तो हम लोग दोनों क्वेश्चन को देख लेंगे कि अगर एग्जामिनेशन में कोई भी क्वेश्चन आएगा तो टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक है। क्या है क्वेश्चन? एक्सप्लेन न्यूटन रैप्सन मेथड और न्यूटन आइट्रेशन मेथड टू फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो। या फिर ऐसे भी पूछ सकता है क्वेश्चन, इस्टेब्लिश न्यूटन रैप्सन फार्मूला टू फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन एफ एक्स इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेंगे, इसका एक अप्रोक्सीमेट रूट मान लेंगे, ठीक है। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो है तो इसका अप्रोक्सीमेट रूट क्या मान लेंगे, एक्स नॉट। क्या मान लेंगे, एक्स नॉट। मतलब हम लोगों का एक्स नॉट विद अप्रोक्सीमेट रूट ऑफ द इक्वेशन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो। ओके, तो आप लोगों का क्या हो जाएगा, एफ एक्स नॉट को हम लोग क्या मान लिए, एक्स नॉट को मान लिए अप्रोक्सीमेट रूट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इफ एक्स वन इक्वल टू एक्स नॉट प्लस एच। क्या हो जाएगा, इफ एक्स वन इक्वल टू एक्स नॉट प्लस एच, तो एच जो है ना, एच एकदम छोटा सा क्वांटिटी है, ठीक है। देखिए एक्स नॉट को हम लोग माने हैं अप्रोक्सीमेट रूट, लेकिन हम लोगों को अप्रोक्सीमेट नहीं एग्जैक्ट रूट चाहिए। तो एग्जैक्ट रूट चाहिए तो क्या करना होगा, जो हम लोग अप्रोक्सीमेट रूट माने हैं ना, तो उसमें अगर हम लोग कुछ ऐड कर देंगे तो हम लोगों को एग्जैक्ट रूट मिल जाएगा। तो वो जो हम लोगों का एग्जैक्ट रूट होगा वो क्या हो जाएगा, एक्स वन। तो एक्स वन किसके बराबर हो जाएगा, एक्स नॉट प्लस एच के। तो हम लोगों का यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हो जाएगा हम लोगों का एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो, मतलब एक्स वन किसके बराबर है, एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एच इक्वल टू जीरो। अब हम लोग टेलर सीरीज का हेल्प लेंगे। टेलर सीरीज आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। टेलर सीरीज आप लोगों का क्या बोलता है, एफ ऑफ ए नॉट प्लस एक्स। तो देखिए आप लोगों का टेलर सीरीज क्या बोलता है, एफ ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू एच। क्या बोलता है, एफ ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू एच। तो इसका बराबर क्या होता है, एफ ऑफ, आप लोग टेलर सीरीज पढ़े होंगे, क्या एफ ऑफ एक्स नॉट हो जाएगा पहला टर्म प्लस एच इंटू एफ डैश एक्स नॉट प्लस एच स्क्वायर बाई टू एफ डबल डैश एक्स नॉट, और इस तरीके से आप लोगों को बढ़ता जाएगा, ठीक है। और एच जो है वो आप लोगों का बहुत ही छोटा क्वांटिटी है। एच क्या है आप लोगों का, इसमें बहुत ही छोटा क्वांटिटी है। तो आप लोग क्या करेंगे, नेगलेक्ट द टर्म कंटेनिंग सेकेंड एंड हायर पावर ऑफ एच। तो उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, उसमें जो टर्म है ना, क्या है टर्म, जो एच का हायर पावर है ना, उसको हम लोग क्या करेंगे, नेगलेक्ट करते चलेंगे। क्या करेंगे, नेगलेक्ट करते चलेंगे। तो ये जितने भी है ना टर्म वो जीरो हो जाएगा और बचेगा सिर्फ क्या, एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एच एफ डैश एक्स नॉट इक्वल टू जीरो। तो हम लोग का यहाँ से क्या आएगा वैल्यू, आप लोग को यहाँ से आप लोग का एच का वैल्यू निकल के आ जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा आप लोग का यहाँ पे, एच का वैल्यू निकल के आ जाएगा माइनस ऑफ एक्स नॉट डिवाइडेड बाई एफ डैश एक्स नॉट। तो हम लोग क्या मानेंगे, ए क्लोजर अप्रोक्सीमेशन टू द रूट इज गिवन बाई, तो एक्स वन जो है वो किसके बराबर है, एक्स नॉट प्लस एच। तो हम लोग एक्स वन का एच की जगह वैल्यू रख देंगे तो एक्स वन हम लोग को पता चल जाएगा, ठीक है। सिमिलरली स्टार्टिंग विथ एक्स वन द नेक्स्ट बेटर अप्रोक्सीमेशन टू द रूट x इज गिवन बाय, तो फिर हम x2 टू इज गिवन बाय। तो फिर हम लोग इसी तरीके से x1 निकाले ना, ठीक, उसी प्रकार से x2 निकालेंगे। x2 के बाद करते करते इसी तरीके से जाएंगे और जनरल फार्मूला n प्लस वन टर्म तक निकालेंगे। तो ये क्या आ जाएगा आप लोग को, x ऑफ n प्लस वन इक्वल टू x ऑफ n माइनस ऑफ f ऑफ एक्स एन डिवाइडेड बाई एफ डैश एक्स एन, और n का आप लोगों का अलग अलग वैल्यू है। तो दिस फार्मूला इज नोन एज द न्यूटन रैप्सन फार्मूला एंड द मेथड इज कॉल्ड न्यूटन रैप्सन मेथड। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूटन रैप्सन फार्मूला बोलेंगे, और इस मेथड को हम लोग बोलेंगे न्यूटन रैप्सन मेथड। तो कोई भी परेशानी हुई आप लोग को न्यूटन रैप्सन मेथड समझने में, न्यूटन रैप्सन मेथड का प्रूफ अगर आप लोग के परीक्षा में पूछा जाएगा तो आप लोग खुश होइएगा, क्योंकि ये बहुत ही ईजी है। ईजी क्यों है, क्योंकि इसमें कुछ नहीं करना होता है, बस आप लोगों को एक रूट मानना होता है, अप्रोक्सीमेट रूट। अप्रोक्सीमेट रूट क्या माने, एक्स नॉट। फिर हम लोग x नॉट में कुछ ऐड करके हम लोग एग्जैक्ट रूट मान x1 निकालेंगे। तो x1 किसके बराबर था, x नॉट प्लस h के। तो फिर हम लोग का जो f ऑफ x1 जो है उसका एग्जैक्ट रूट है, ठीक है। मतलब f ऑफ x इक्वल टू जीरो अगर हम लोगों का इक्वेशन दिया हुआ है और आप लोगों को पता है कि इसका रूट क्या है, तो रूट को उस वैल्यू में सेटिस्फाई करने में वैल्यू जीरो देता है, मतलब f ऑफ x1 इक्वल टू जीरो है। और x1 किसके बराबर है, x नॉट प्लस h के। तो हम लोग x1 की जगह पे क्या लिखेंगे, x नॉट प्लस h, मतलब f ऑफ x नॉट प्लस h इक्वल टू जीरो। फिर हम लोग टेलर सीरीज के हेल्प से इसको आगे बढ़ाएंगे, फिर हम लोग जो h का हायर पावर होगा को नेगलेक्ट करेंगे, यहाँ से सॉल्व करने पे एच आ जाएगा। फिर हम लोग एक्स वन जो है वो एक्स नॉट प्लस एच, तो एच का वैल्यू रख देंगे तो एक्स वन निकल के आ जाएगा, ठीक। उसी प्रकार से हम लोग एक्स टू निकालेंगे और इसी तरीके से जनरल फार्मूला एक्स एन तक निकल जाएंगे, और हम लोग का यही होता है न्यूटन रैप्सन फार्मूला। चलिए एक क्वेश्चन के मदद से हम लोग सीखते हैं कि न्यूटन रैप्सन मेथड के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए। तो देखिए ये आप लोग का न्यूटन रैप्सन मेथड। तो आप लोगों का एक इक्वेशन दिया हुआ है, क्या इक्वेशन दिया हुआ है, एक्स क्यू माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस टेन एक्स माइनस ट्वेंटी। तो ये आप लोग का एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है,
ठीक है, क्या दिया हुआ है आप लोगों को, एफ ऑफ एक्स, फिर क्या है इसमें एक्स के जगह पर जीरो डालेंगे तो एफ ऑफ जीरो आएगा, फिर हम लोग एक्स के जगह पर एक डालेंगे तो एफ ऑफ एक, फिर एफ ऑफ टू आएगा। ठीक है, तो जब भी आप लोगों का एक वैल्यू पे निगेटिव और एक वैल्यू पे पॉजिटिव आएगा, रुक जाना है। आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों को जो क्वेश्चन दिया जाएगा उसको लिख लीजिएगा एफ एक्स बराबर दिस है, फिर क्या कीजिएगा एक्स का अलग अलग वैल्यू रखिएगा, पहले जीरो रखिएगा, फिर वन रखिएगा, फिर टू रखिएगा, इस तरीके से रखते जाइएगा और आप लोग वहाँ पर रुक जाइएगा जब इससे पहले निगेटिव आएगा और फिर उसके जस्ट आगे पॉजिटिव आ जाएगा, मतलब जब साइन चेंज होगा ना तो वहाँ पर रुक जाना है। और आप लोग का वन और टू के यहाँ माइनस सेवन आया और यहाँ 16, तो ये आप लोग का जो रूट होगा वो एक और दो के बीच में लाई करेगा। तो एक और दो के बीच में कोई भी आप लोग अपने मन से कोई भी वैल्यू ले लीजिएगा, तो एफ ऑफ वन पॉइंट ले लिए, एक और दो के बीच में 1.4 ले लीजिए, 1.3 ले लीजिए, मतलब इसी तरीके से आप लोग को एक और दो के बीच में कोई कोई वैल्यू लेके देखना है और वैल्यू लेके देखिएगा और जिसमें एक में पॉजिटिव और एक में निगेटिव आएगा ना तो वहाँ पर रुक जाना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या आया है, पॉजिटिव आया है, यहाँ पर क्या आया आप लोग का, निगेटिव आया है, एक में पॉजिटिव आया एक में निगेटिव आया, तो रुक जाना है। अब जो आप लोग का रूट होगा वो किसके किसके बीच में लाई करेगा, 1.3 और 1.4 के बीच में। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, सो द रूट ऑफ एफ एक्स इक्वल टू जीरो लाइज बिटवीन 1.3 एंड 1.4, लेट एक्स नॉट इक्वल टू 1.3 विद इनिशियल अप्रोक्सीमेशन। इनिशियल अप्रोक्सीमेशन हम लोग क्या मान लिए, एक्स नॉट इक्वल टू 1.3। तो अब हम लोग क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स हम लोग को पता था, अब लोग निकालेंगे एफ डैश एक्स, क्या निकालेंगे एफ डैश एक्स निकालेंगे। तो न्यूटन रैफसन फॉर्मूला क्या बोलता है, एक्स एन प्लस वन इक्वल टू एक्स एन माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स एन डिवाइड बाई एफ डैश एक्स एन। तो यहाँ एक्स एन है, फिर माइनस एफ ऑफ एक्स एन, यहाँ जो भी टर्म है वहाँ पे एक्स की जगह पे एक्स एन डालिएगा, यहाँ पे एफ डैश एक्स एन है, मतलब उसको डिफ्रेंशिएट करके एक्स की जगह पे एक्स एन डालिएगा, जो भी कटने वाला उसको काट लीजिएगा, तो यहाँ से आप लोग का एक्स ऑफ एन प्लस वन का वैल्यू आ जाएगा आप लोगों का। फिर क्या कीजिएगा, एन का वैल्यू जीरो पुट कीजिएगा तो आप लोग का ये आ जाएगा। ठीक है, फिर एन इक्वल टू वन पुट कीजिएगा तो आप लोग का सेकेंड अप्रोक्सीमेशन निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोग अलग अलग, मतलब एन का वैल्यू जीरो, एन का वैल्यू वन, एन का वैल्यू टू, इस तरीके से निकालिएगा और कब तक निकालिएगा, जब तक कि वैल्यू सेम ना आ जाए। तो देखिए एक्स टू का वैल्यू यहाँ पे सेम है और यहाँ पे सेम है, तो बस रुक जाएंगे। तो न्यूटन रैफसन मेथड में जैसे देखिए बाइसेक्शन मेथड आप लोग बनाए थे, तो आप लोगों को कितना सारा, मतलब कि कितना सारा स्टेप करना था, 11th आइट्रेशन तक गया था। ठीक है, और यहाँ तो बस थर्ड आइट्रेशन निकाले, काम हो गया। तो मतलब ये आप लोग के लिए न्यूटन रैफसन मेथड ईजी है। तो एक और जो क्वेश्चन है, ये सारा क्वेश्चन आप लोगों को अब खुद से प्रैक्टिस करना है, आप लोगों को बता दिया गया है कि बनाना है कैसे है। एक बार मैं फिर से रिवाइज करवा देती हूँ। सबसे पहले न्यूटन रैफसन मेथड में क्या करना है, एफ ऑफ एक्स ले लेना है, फिर एक्स का अलग अलग वैल्यू रखना है, जीरो वन टू थ्री रखते जाइएगा, जब भी वैल्यू पहले निगेटिव आएगा फिर उसके आगे पॉजिटिव आएगा, रुक जाना है, देख लेना है फिर किसके किसके बीच में निगेटिव पॉजिटिव आ रहा है। मान लीजिए इसमें, इस क्वेश्चन में जो है, जो आप लोग को स्क्रीन पर दिख रहा है उसमें दो और तीन के बीच में वैल्यू चेंज हो रहा है ना यहाँ पे, तो आप लोग का जो वैल्यू होगा दो और तीन के बीच में लाई करेगा, तो दो और तीन के बीच में कोई भी वैल्यू रख के देखिएगा, तो 2.4 देखे, 2.5 देखे, 2.4 देखे, तो यहाँ प्लस है यहाँ नेगेटिव है, मतलब चेंज हो रहा है। तो आप लोग का जो रूट होगा वो किसके किसके बीच में लाई करेगा, इसके इसके बीच में, तो इनिशियल आप लोग इनिशियल अप्रोक्सीमेशन 2.4 बना ले लीजिएगा। फिर आप लोग का एफ ऑफ एक्स पता है तो एफ डैश एक्स निकाल लीजिएगा, फिर आप लोग न्यूटन रैफसन फॉर्मूला को लिख लीजिएगा, उसको यूज कीजिएगा और एन का 0, 1, 2, 3 वैल्यू रख के आप लोग अपना निकाल लीजिएगा। तो इस तरीके से आप लोग न्यूटन रैफसन मेथड के जितने भी क्वेश्चन इसमें दिया गया हुआ है सभी को प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, बस अब मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगी, न्यूटन रैफसन मेथड में हो गया, जो भी कंसेप्ट था ना मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो इस तरीके से मैं आप लोगों को क्या क्या पढ़ा चुकी हूँ, आप लोगों को गॉस एलिमिनेशन मेथड पढ़ाया जा चुका है, गॉस एलिमिनेशन मेथड पढ़ चुके हैं आप लोग, गॉस जॉर्डन मेथड पढ़ चुके हैं, गॉस सीडल एट्रेशन मेथड पढ़ चुके हैं, फिर आप लोग बाइसेक्शन मेथड पढ़ चुके हैं, रेगुलर फालसी मेथड और फालसी पोजीशन मेथड पढ़ चुके हैं, फिर उसके बाद आप लोग क्या पढ़ चुके हैं, उसके बाद आप लोगों को मैं पढ़ाई हूँ न्यूटन रैफसन मेथड। ठीक है, तो इतना सारा मेथड आप लोग पढ़ चुके हैं। अब देखिए नेक्स्ट मेथड है जिराफे रूट स्क्वायरिंग मेथड, तो जिराफे रूट स्क्वायरिंग मेथड आज ही लिख के रख लीजिए कि परीक्षा में आएगा, मतलब आएगा। ठीक है, इसको नहीं आने से कोई नहीं रोक सकता, ये हर साल आता है, अभी तक मैं लगभग 6 से 7 साल का क्वेश्चन देखी हूँ, ऐसा कोई साल नहीं हुआ जिसमें यह क्वेश्चन नहीं आया हुआ है, हर साल आता ही है। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग इसको देख लेते हैं, क्या है डिस्कार्ड रूल ऑफ साइन। तो दी इक्वेशन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो कैन नॉट है मोर पॉजिटिव रूट देन द चेंजेज ऑफ साइन इन एफ एक्स एंड मोड, ये सब ऐसी फालतू है। चलिए ना हम लोग इसको सीधा एक्सप्लेन, पहले एक्सप्लेन जो इसमें करने के लिए बोला है ना उसको देख लेते हैं। तो लेट अस कंसीडर द पॉलिनोमियल इक्वेशन, क्या करेंगे हम लोग एक पॉलिनोमियल इक्वेशन को कंसीडर कर लेंगे, एफ ऑफ एक्स कर लिए, अब हम लोग क्या करेंगे सेपरेटिंग द इवन एंड ऑड पावर ऑफ एक्स। अब उसके बाद देखिए सबसे पहले क्या करना है आप लोग को, एक पॉलिनोमियल इक्वेशन को मान लेना है, फिर इवन पावर को अलग करना है, ऑड पावर को अलग कर देना है। ठीक है, इवन पावर को अलग और ऑड पावर को अलग करने के बाद क्या करना है, स्क्वायर करना है, उसको क्या करना है स्क्वायर करना है, स्क्वायर करने के बाद क्या करना है एक्स स्क्वायर के जगह पे वाई पुट करना है, एक्स स्क्वायर के जगह पे वाई पुट कीजिएगा तो एक नया आप लोगों को पॉलिनोमियल इक्वेशन आ जाएगा। तो फिर क्या कीजिएगा, फिर आप लोग कीजिएगा,
फिर आप लोग क्या कीजिएगा, इवन पावर को अलग, ऑड पावर को अलग, फिर उसको क्या कीजिएगा, जो कॉमन निकलने वाला होगा उसको निकाल के फिर स्क्वायर कर लीजिएगा, फिर उसके जगह पे कुछ पुट कर दीजिएगा, और फिर इसी तरीके से आप लोग का ये कार्यक्रम चलता रहेगा। ठीक है, तो इसमें इससे अच्छा तो मैं आप लोग को जो इसमें उतने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं है, मतलब क्वेश्चन से इसको एक्सप्लेन करते हैं हम लोग। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आप लोग का यहाँ पे ये दिया हुआ है ना, तो क्या कीजिएगा, इवन पावर को अलग, ऑड पावर को अलग कीजिएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, एक्स क्यू प्लस 17x इक्वल टू 8x स्क्वायर प्लस 10। जो कॉमन निकलने वाला है कॉमन निकालिए, तो यहाँ कॉमन निकालेंगे तो x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 17, इसमें कॉमन निकलेगा 2, यहाँ पे बचेगा 4x स्क्वायर प्लस 5 बचेगा। ठीक है, फिर क्या करेंगे, इसको स्क्वायर करेंगे और एक्स स्क्वायर की जगह पे y पुट करेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड एंड पुटिंग एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 गेट। तो हम लोग इसको एक्स स्क्वायर इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग को ये आ जाएगा। फिर क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, फिर हम लोग क्या करेंगे, वही इवन और ऑड को अलग करने के बाद स्क्वायर करेंगे और वाई स्क्वायर की जगह पर जेड पुट करेंगे तो हम लोग का ये आ जाएगा। वाई स्क्वायर की जगह पर जेड जेड पुट करने के बाद फिर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के बाद क्या करेंगे, हम लोग जेड स्क्वायर की जगह पर यू पुट करेंगे, क्या करेंगे, जेड स्क्वायर की जगह पर यू पुट करेंगे तो हम लोग का ये आ जाएगा। फिर अब लोग जब हम लोग यू वाले टर्म में आ जाएगा तो फिर हम लोग को रुक जाना है। ठीक है, क्या है, यू वाले टर्म में आ जाएगा तो आप लोगों को रुक जाना है, तो यू वाले टर्म में आ जाएगा तो आप लोगों को बस रुक जाना है, आराम करना है। अब क्या करना है, एक्स वन यहाँ पी वन पी टू पी थ्री दिया हुआ है, एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग पी वन पी टू पी थ्री या एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री का आप लोग क्या कीजिएगा, इसको सॉल्व निकालिएगा। तो इसको निकालने का फॉर्मूला क्या है, आप लोगों का इसमें जो भी दिया हुआ है ना, यहाँ पे q1 के पावर, यहाँ पे ये वाला कचरा है, इसको देखिए बस, q1 के पावर 1 बाई 8 होता है, और ये क्या होता है q2 के पावर 1 बाई 8, और ये होता है q3 के पावर 1 बाई 8। q1 क्या होता है, ये माइनस लेमडा 1 के पावर 1 बाई 8। मतलब देखिए अब क्या करना है, इसको जनरल से कंपेयर करवाना है, क्या करना है आप लोगों को कंपेयर करवाना है, तो इसको अगर कंपेयर करवाइएगा जनरल इक्वेशन से तो लेमडा यू क्यू, नहीं ऐसे नहीं, अच्छे से मैं करवाती हूँ, इससे अच्छा फॉर्मूला मैं बताती हूँ। देखिए जैसे इसको जनरल होता है तो ए नॉट ई क्यू प्लस ए नॉट ए स्क्वायर, सॉरी ए वन ए स्क्वायर प्लस ए टू ए क्यू हो गया, स्क्वायर हो गया, तो ए टू ए प्लस कॉन्स्टेंट हो गया। तो यहाँ से ए जीरो ए वन ए टू आया था, तो इसका फॉर्मूला सीधा होता है आप लोगों का क्या होता है, इसका सीधा आप लोगों का माइनस ए वन के पावर वन बाई एट ले ली, माइनस एन वन के, और इसमें क्या कीजिएगा ए टू बाई ए वन के, और इसमें ए थ्री बाई ए टू का फॉर्मूला ले लीजिएगा और उसका पावर वन बाई एट कर लीजिएगा और आप लोग इसका वैल्यू निकाल लीजिएगा। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ से आप लोग का जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो आप लोग का इसका 5 to 1 आएगा। तो इसी तरीके से जिराफे रूट स्क्वायरिंग मेथड का क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा। ठीक है, इसमें पी आप लोगों का पी वन पी टू पी थ्री दिया हुआ है, आप लोग इसको एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री भी लिख सकते हैं। ठीक है, और इसको जो लेमडा के फॉर्म में दिया हुआ है ना, इसमें लेमडा में इक्वेशन माना हुआ है, जो जनरल इक्वेशन से कंपेयर किया वो लेमडा नॉट यू क्यू प्लस लेमडा जीरो यू क्यू प्लस लेमडा वन यू स्क्वायर इस तरीके से किया है, और आप लोग जो है ना वो क्या बोलते हैं इसको ए नॉट के में ए नॉट के फॉर्म में भी कर सकते हैं। तो आप लोग को ये बहुत सारा क्वेश्चन दिया गया हुआ है, सारा क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिएगा और ये क्वेश्चन पक्का ही आएगा। तो इतना सारा क्वेश्चन आप लोगों को दिया जा रहा है तो इसको प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा और यहाँ फिर लास्ट में आके आंसर भी मिला लीजिएगा। ठीक है, चलिए, कोई कोई पेज ब्लर आ गया है तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं, आप लोग कंसेप्ट सीख चुके हैं तो आप लोगों का हो जाएगा। तो आज के वीडियो में मैं आप लोग को जितने भी मेथड हुए ना, अभी मैं जितना बताई हूँ ना, सिर्फ इतना भी वीडियो कोई अगर देख लिए होंगे ना तो उन लोगों को पास करने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, पास करने के लिए एक काफ़ी नहीं, बहुत ज़्यादा काफ़ी है, क्योंकि एक गॉस एलिमिनेशन पढ़ाया वो तो आएगा ही, गॉस सीडल इटरेशन मेथड पढ़ाया वो आएगा ही, बाइसेक्शन न्यूटन एप्सन में से एक आएगा, नहीं तो हो सके तो दोनों भी आ ही जाएगा, फिर जिराफे रूट स्क्वायरिंग मेथड पढ़े तो ये भी आ ही जाएगा, और इतना सारा आ ही जाएगा और हम लोग को छो ही बनाना रहता है। चलिए अब नेक्स्ट क्या है आप लोगों का, कैलकुलस ऑफ फाइनाइट डिफरेंस। तो इसमें क्या होता है, आप लोगों का कोई भी फंक्शन दिया होगा तो लेट वाई इक्वल टू एफ एक्स बी ए फंक्शन, लेट इफ एक्स नॉट प्लस एच, एक्स नॉट प्लस टू एच, एक्स नॉट प्लस थ्री एच, इस तरीके से आप लोगों का टर्म जाएगा एक्स नॉट प्लस एन एच तक। ठीक है, बी द सक्सेसिव वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का अलग अलग वैल्यू होगा, पहला वैल्यू होगा एक्स नॉट, दूसरा वैल्यू एक्स नॉट प्लस एच, तीसरा एक्स नॉट प्लस टू एच, इस तरीके से एक्स का वैल्यू बदलते जाएगा, और जैसे जैसे एक्स का वैल्यू बदलेंगे वैसे वैसे उसका कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू वाई का ही बदलेगा। अगर एक्स की जगह एक्स नॉट रखेंगे तो वाई की जगह वाई नॉट, एक्स की जगह एक्स वन रखेंगे तो वाई की जगह वाई वन वाई टू वाई थ्री, इस तरीके से आपका वैल्यू अलग अलग चलते जाएगा। तो टेबुलर फॉर्म में कुछ इस तरीके से रहेगा, यहाँ एक्स रहेगा और यहाँ वाई रहेगा,
ये जो x का यहाँ x है यहाँ y है, तो x में जो एंट्री हम लोग रखते हैं ना, जो भी एलिमेंट को एलिमेंट इसमें रहेगा x नॉट, x नॉट प्लस h, x नॉट प्लस 2h, इसको हम लोग आर्गूमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर्गूमेंट। और y में जो है, y में जो वैल्यू जाएगा उसको एंट्री बोलते हैं। तो ये आप लोग का ये टेबल फॉर्म में, टेबल फॉर्म में दिखाया गया है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, हेयर वी शैल स्टडी द वेरिएशन इन अ फंक्शन ड्यू टू चेंजेस इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल बाय इक्वल वेरिएबल टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ एफ एक्स और एफ डैश एक्स फॉर सम वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वल इंटरवल द फॉलोइंग थ्री स्टेप ऑफ डिफरेंसेज आर यूज। तो इसमें हम लोग का तीन मेथड है, एक आप लोग का फॉरवर्ड डिफरेंस है, एक है बैकवर्ड डिफरेंस और एक है आप लोग का सेंट्रल डिफरेंस। तो फॉरवर्ड डिफरेंस हम लोग कैसे निकालेंगे, तो फॉरवर्ड डिफरेंस हम लोग का ये देखिए, एक वीडियो में पहले बता चुकी हूँ आप लोगों को, जिससे बेसिक बात न्यूमेरिकल एनालिसिस का अभी जो टॉपिक चल रहा है ना, इसका बेसिक बात मैं आपको बता दी हूँ। इस टॉपिक का जो है ना, इससे पढ़िएगा इस नोट से, तो उतने अच्छे से आप लोगों को नहीं समझ में आएगा। वो जो मैं पहले से वीडियो बनाई हुई हूँ ना, वो वाला, उस वीडियो को देख लीजिएगा, जिसमें मैं सारा बेसिक बात शिफ्ट ऑपरेटर, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, रिलेशन बिटवीन ऑपरेटर जो परीक्षा में पूछा जाता है, वो सारा कुछ मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, ठीक है। और डिफरेंस टेबल बनाना सिखाई हुई है, वहाँ से देख लीजिएगा, वहाँ से भी आप लोग से एक दो क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाता है यहाँ से भी, तो वो वाला वीडियो ज़्यादा अच्छा रहेगा, इसमें उतना अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया गया है नोट्स में, ठीक है। तो इसको हम लोग, लगभग हम लोग का कंप्लीट है, इसके अलावा देखते हैं कोई और टॉपिक हुआ तो मैं आप लोगों को करवा दूँगी। और क्वेश्चन बैंक का सोल्यूशन का जो पेड बैच है उसमें ज़रूर ज्वाइन होइएगा, एक बार आप लोग ज्वाइन हो जाइए, आप लोगों को मुश्किल से 300 पेमेंट करना होगा, और 300 पेमेंट करने के बाद आप लोग समझ भी सोच सकते हैं क्या क्या मिलेगा आप लोगों को। मैं बताती हूँ क्या क्या मिलेगा, रुक जाइए, पहले इसमें देख लेते कोई आगेगा, कोई काम चीज़ है, ये शिफ्ट ऑपरेटर वगैरह सब उसमें पेपर आई हुई, आप लोग वहाँ से पढ़ लीजिएगा। रिलेशन बिटवीन ऑपरेटर भी मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कैसे प्रूफ करते, ये भी आप लोग उसी में से कर लीजिएगा। एक वीडियो है ना पहले वाला, तो एक वीडियो को उसको देख लीजिएगा और बाकी के लिए इसको देख लीजिएगा, बस कंप्लीट। ये सब मैं पहले करवा चुकी हूँ इसलिए अभी नहीं करवा रही हूँ, ठीक है। और ये पूरा मैं ख़त्म कर देती हूँ, चलिए लगभग ख़त्म ही है अब, चलिए तो ये कहीं पर रोकते हैं, शुरू में रोज लिख जाते हैं। चलिए अब मैं आप लोगों को आज के वीडियो में क्या बताई, आज का वीडियो हम लोगों का वन शॉट वीडियो था। इस वीडियो में हम लोग गॉस एलिमिनेशन मेथड सीखे, गॉस जॉर्डन मेथड सीखे, गॉस सीडल आइटरेशन मेथड सीखे, बाइसेक्शन मेथड सीखे, रेगुलर फालसी मेथड सीखे, न्यूटन रैप्सन मेथड सीखे, इसके बाद आप लोग क्या पढ़े, जिराफे रूट स्क्वायरिंग मेथड सीखे, फिर अब बस इतना ही सीखे। और एक वीडियो के लिए मैं बोली हूँ कि जो पहले वाला वीडियो जिसमें मैं बताई हूँ ये पूरा बेसिक बात न्यूमेरिकल एनालिसिस का लेक्चर 1 था, उसको देख लीजिएगा, उसमें और क्लियर हो जाएंगे कंसेप्ट। तो बस आप लोग इतना कर लीजिएगा ना, तो आप लोग आसानी से 6 क्वेश्चन परीक्षा में बना सकते हैं, तो टेंशन लेने वाला बात नहीं है। तो ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों को क्या करना है, इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को मैथ ऑनर्स पार्ट 3 का पेपर 8 के पेड बैच में एडमिशन लेना है। आप लोग पेपर 8 में पेड बैच में एडमिशन लेंगे तो आप लोग को सिर्फ 300 रुपया पेमेंट करना होगा, ठीक है। और उसमें मिलेगा क्या वो मैं बताती हूँ, पहले तो ये जो पूरा कंप्लीट नोट्स आप लोग पढ़े हैं इस नोट्स का पीडीएफ मिल जाएगा पहली बात, ठीक है। दूसरी बात आप लोगों को क्या मिलेगा, पूरे 5 साल का क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन का पीडीएफ, 2021 का, 2020 का, 2019 का, 2018 का, 2017 का, आप लोगों को 5 पीडीएफ मिलेगा, ठीक है। पांचों में हर एक साल का, एक साल का पूरा क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन मतलब 24 क्वेश्चन रहता है, हर एक साल में दो क्वेश्चन मतलब हर एक क्वेश्चन में दो क्वेश्चन आता रहता है ना, तो लगभग 24 मान लीजिए या 20 भी मान लीजिए ना, तो आप लोगों को पूरे एक पीडीएफ मिलेगा जिसमें 20 क्वेश्चन का सोल्यूशन, जो कि ईयर वाइज रहेगा। आप लोगों को 2021 का मिलेगा तो उसमें 2021 का ऑल क्वेश्चन रहेगा, 2020 का मिलेगा तो 2020 का पूरा पीडीएफ मिलेगा आप लोगों को, बहुत ही अच्छे तरीके से उसमें पीडीएफ में भी बताया गया है, ठीक है। और उसके साथ क्या मिलेगा, उसके साथ आप लोगों को वीडियो सोल्यूशन भी मिलेगा। और वीडियो सोल्यूशन में देखिए, जैसे पीडीएफ जरूरी तो नहीं किसी पीडीएफ में देखिएगा आप लोगों का सब कुछ समझ में आ जाएगा, इतना विद्वान तो कोई नहीं है, तो कुछ ना कुछ आप लोगों को दिक्कत आएगी, तो उसके लिए वीडियो सोल्यूशन भी दिया जाएगा। और वीडियो सोल्यूशन तो दिया जाएगा, पीडीएफ भी दिया जाएगा, ये हैंड रिटन नोट्स का पीडीएफ भी दिया जाएगा। और देखिए, अगर आप लोग हिसाब बैठाइएगा ना, तो एक साल का सिर्फ आप लोगों को 60 रुपया पेमेंट करना है, तो 60 रुपया कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ पता है पहले पीडीएफ के लिए सब 60 रुपया पे करते थे एक साल का, ठीक है, 60 नहीं तो 50 तो कर ही देते थे, तो एक साल के पीडीएफ के लिए 50 रुपया पेमेंट करते थे। लेकिन इस बार क्या अच्छा बात है, इस बार अच्छा बात यह है कि वीडियो सोल्यूशन भी मिलेगा, और ये नोट्स भी नहीं मिलता था, कंप्लीट नोट्स भी नहीं मिलता था, जो क्वेश्चन बैंक का सोल्यूशन पहले खरीदते थे ना उन लोगों को, लेकिन इस बार सारा एक बार 300 पेमेंट करना है और सारा कुछ आप लोगों को मिल जाएगा। तो इतना अच्छा बैच है, तो आप लोग उसको जरूर ज्वाइन कीजिए, अगर आप लोग कंप्लीट भी है ना तो एक बार उसको ज्वाइन कर लीजिए, और अपना 2x के स्पीड पर देख के वीडियो देख लीजिएगा और पीडीएफ से अपना मिला लीजिएगा आंसर वगैरह सब, ठीक है। तो ये मैं बैच का जो एडवांटेज था वो बता दी हूँ। और एक बात,
अगर आप लोग बैच में एडमिशन ले लेंगे ना पेपर एट के बैच में एडमिशन में, तो आप लोगों को पेपर एट में कोई भी डाउट होगा तो सारा डाउट आप लोग पूछ सकते हैं और मैं सॉल्व करूँगी, ठीक है। उसी समय सॉल्व करूँगी और नहीं समझ में आएगा तो वॉइस रिकॉर्डिंग भी भेज के उसको एक्सप्लेन करूँगी, क्योंकि लिख के उतना एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता कि कैसे क्या किया गया, तो मैं वॉइस रिकॉर्डिंग भेज के आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूँगी। तो टेंशन मत लीजिए, जो स्टूडेंट पेड बैच में है और क्वेश्चन पूछे होंगे ना तो उन लोग को जरूर रिप्लाई मिला होगा, ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं होगा जिनको रिप्लाई नहीं मिला, क्योंकि उसमें बैच में स्टूडेंट भी लिमिटेड रहते हैं, ज़्यादा स्टूडेंट का मैं एडमिशन ही नहीं लेती हूँ। तो अभी है, अभी जगह खाली है तो एडमिशन ले सकते हैं आप।